गुड इवनिंग एवरीबडी लेट्स क्रैक यूपीएससी सी एस हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है हम बातचीत करने जा रहे हैं पॉलिटी भारत की राजव्यवस्था की सबसे प्रचलित सबसे चर्चित किताब एम लक्ष्मीकांत और आज मैंने प्लानिंग समय का नहीं किया है मतलब आज मुझे नहीं पता रियली really, कि ये किताब कितने घंटे में कंप्लीट होगी लेकिन आप लोगों का मनोबल और आप लोगों का सपोर्ट अगर रहा तो हो सकता है कि आज इस कक्षा में हम इस किताब को एक ही क्लास में कंप्लीट करके आप लोगों के रिवीजन के लिए एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करा पाएंगे मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह रहा हूं मुझे नहीं पता कि क्लास कैसी होगी लेकिन एक बात जो पूरे दावे के साथ मैं आपको बता रहा हूं इससे ज्यादा खूबसूरत क्वांटेन जो कि हमारी टीम ने पिछले सात दिनों में एक एक क्वॉन्टेन को देखते हुए रेडी किया है मैं खुला चैलेंज दे सकता हूं कि आपने लक्ष्मीकांत की किताब को इस तरीके से और इस क्वांटेन में शायद ही कभी देखा होगा शायद ही कभी देखा होगा जीएस पेपर दो जिस अद्भुत तरीके से हमने कवर किया था उससे भी बेहतरीन अद्भुत तरीके से आपके प्रिलियम्स को और मजबूत करने के नजरिए से आज का यह कंटेन आप सच में कहेंगे कि सर एक बार कक्षा मिस हो जाए चल जाएगा लेकिन इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिएगा तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस खूबसूरत कक्षा का आज कोई व्यक्ति स्क्रीन से हिलना नहीं है तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे भोजन और पानी इन दोनों चीजों को भी अगर भूलने की क्षमता हो तो वो भी भूल जाना क्योंकि आज के जैसी क्लास भारतीय राजव्यवस्था में YouTube के इतिहास में इसके पहले नहीं की गई है सभी का स्वागत है शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का पहले संक्षिप्त में कुछ सा छोटी सी बातें एग्जाम रस हमारा एक्सक्लूसिव चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं बाकी अनकेडमी प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर आपको मिलते हैं सारे कोर्सेस ऑनलाइन घर बैठे जहां पर प्लस और आइकॉनिक जैसे प्लान है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपको दो साल तीन साल तक के प्लान भी उपलब्ध हैं खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो बारहवीं के बाद तैयारी करने के प्लानिंग में हैं और उन्हें आस पास में कोई भी अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है आप कॉम्बो पैक सेलेक्ट करते हुए ऑप्शनल और जीएस दोनों कवर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज दे सकते हैं कई सारे बैचेस स्टार्ट किए गए हैं इन बैचेस को भी आप ज्वाइन करते हुए अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट भी है इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और जब भी आप अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एम के लाइव हमारा रिफर कोड डिस्काउंट कोड है जो आपको इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट उपलब्ध कराता है किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान में कोई भी सब्सक्रिप्शन जब भी आपको लेना हो एक छोटी सी बात मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना के रूप में बता दूं यदि आप लोग चाहते हैं कि मधुकर सर के थ्रू सारा सिलेबस कंप्लीट हो तो 24 मार्च को आगाज होगा प्रारंभ होगा पहला कोर्स इकोलॉजी एन्वायरमेंट 2022-23, 24 के विद्यार्थियों को लक्षित करते हुए यहां से आप हमारे साथ जुड़कर कोर्स को कंप्लीट करना शुरू कर सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन का प्लान है पूरा दो साल का जिसमें प्रिलिम्स की पूरी तैयारी जीएस के चारों पेपर निबंध और इंटरव्यू की तैयारी ऑल सब्जेक्ट वन एजुकेटर एम के लाइव किसी भी और एजुकेटर की कोई जरूरत नहीं रहेगी एम के लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा तो आज हम कवर करने वाले हैं छठवा संस्करण भारत की राजव्यवस्था सिविल सेवा और अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब का सारांश जिस तरीके से उन्होंने दिया है उसी तरीके से पहले कहानी के रूप में चीजों को समझते हैं हमारे देश में एक विदेशी कंपनी आती है पहला लक्ष्य था व्यापार करने का व्यापार करने के नजरिए से आती है लेकिन अपने स्थानीय क्षेत्र के राजाओं से इसके द्वारा जो युद्ध किया जाता है उसमें उसकी जीत हो जाती है फिर वो प्लासी की लड़ाई हो या बक्सर की लड़ाई इस जीत के बाद उसके पास राजनीतिक शक्तियां आने लग जाती हैं। इस राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के बाद जहां की वो कंपनी थी वहां की संसद इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून बनाती है धीमे धीमे इस कंपनी को रेगुलेट करने के दौरान वह भारत की पूरी राजनीतिक शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से अपने कब्जे में ले लेती है लेकिन अठारह की क्रांति के बाद उसे पूर्ण रूप से मौका मिल जाता है कि भारत की राजनीतिक सत्ता पर वह कायम हो जाए और फिर वह भारत की पूरी राजनीतिक सत्ता अपने कब्जे में लेकर भारत का शासन और प्रशासन नए तरीके से प्रारंभ करती है चलाना क्योंकि भारत में इसके पहले राजा व्यवस्था थी मतलब राजा और प्रजा की व्यवस्था थी जहां कोई नियम कानून की बात नहीं होती थी परिणाम स्वरूप एक नवीन व्यवस्था के तहत ये संसद कई प्रकार के कानूनों को पारित करके इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था को चलाता है धीमे धीमे उसी व्यवस्था में हम लोग ढलने लग जाते हैं हमारे देश के राजनीतिक लोगों को भी समझ में आता है कि इस प्रकार से शासन और व्यवस्था को चलाया जा सकता है यदि आप एक लोकतांत्रिक तरीके की सरकार चाहते हैं तो फाइनली धीमे धीमे भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना का जन्म होता है यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है भारत को आजादी मिलती है और आजादी मिलने के बाद भारत के जितने भी महान नेतृत्व करने वाले लोग थे वो एक सभा का निर्माण करते हैं और हमारे देश में अब अपने खुद के कानून बनाने का प्रारंभन करते हैं जिस किताब में उन्होंने इस पूरी कानून के बारे में चर्चाएं की उस किताब को हम कहते हैं भारत का संविधान भारत के संविधान को अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान में कहा किन किन बातों का वर्णन किया गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान निर्माणकर्ताओं ने हमारे पुराने पूरे कानूनों को में से जो अच्छी चीजें थी वो शामिल करवाया विश्व के कई अलग अलग देशों में भी कई प्रकार के कानून और संविधान का अध्ययन करके भारत के संविधान का भी निर्माण किया तो भारत का संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें नियम है जिसमें कानून है जिसमें पूरे भारत में किस प्रकार से शासन किया जाएगा या भारत में किस प्रकार से शासन चलाया जाएगा इन सभी का विस्तृत वर्णन किया गया है इन सभी के बारे में काफी डिटेल में चर्चाएं की गई है अगर हम एक सिंपल सी बात आप लोगों के साथ कहें तो वास्तविक रूप में भारत की राज्य व्यवस्था का तात्पर्य है कि संविधान की किताब को सरल भाषा में मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों तक ये कहानी पहुंच चुकी होगी कि, कि किस तरीके से भारत में संविधान का निर्माण हुआ अब इस संविधान में कौन कौन से कानूनों ने क्या क्या योगदान निभाया ये हमारे मेंस का मुद्दा है पर हम एक नजर डालना चाहेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण भले ही 1950 में कंप्लीट हुआ या लागू हुआ लेकिन वास्तविक रूप में इस संविधान के निर्माण का प्रारंभ या हम कह सकते हैं कि इसके विषय की पूरी शुरुआत कहीं ना कहीं सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है जिसके माध्यम से ब्रिटेन की संसद यहां के राजनीतिक शक्ति को संभालने वाली कंपनी को रेगुलेट करती है तो आज का पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सत्रह में वहां की संसद ने ब्रिटेन की संसद ने यहां की कंपनी में कुछ बदलाव किए और वो बदलाव क्या थे तो 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल का एक पद बनाया गया जो कि अभी तक कंपनी का पूरी तरह से व्यापारिक शक्ति होती थी। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल का एक पद यहां पर निर्मित किया गया इस पद के माध्यम से ही हम कह सकते हैं कि भारत में भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति यही से शुरू होते हैं अगर हम बात करें लाल लालू तो नाइनटीन में सॉरी 1773 में जहां बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वही 1833 में वो गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, और 1858 में उसे भारत का वाइसराय कहा जाता है क्योंकि वाइस राय शब्द इसलिए उपयोग किया गया क्योंकि अब वो संसद के द्वारा पूरी तरह से भेजा गया था ब्रिटेन के और वही व्यक्ति फिर 1900, पचास के बाद जब हमारा संविधान लागू होता है तो वही भारत का राष्ट्रपति बन जाता है वही भारत के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है तो इस पद का प्रारंभ सत्रह के इस एक्ट के माध्यम से होता है इनकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता हेतु तो चार सदस्य इन्हीं के काउंसिल में इनके साथ जुड़े होते काउंसिल मतलब एक तरीके से मंत्रियों का समूह था पर उस दौर में मंत्री शब्द उपयोग नहीं करते थे तो चार सदस्य थे जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अभी तक हमारे देश में न्याय व्यवस्था भी राजा के हाथ में थी लेकिन क्योंकि अब कंपनी का प्रशासन जिस क्षेत्र में होगा ब्रिटेन में जिस तरीके की पद्धति थी वैसे ही एक न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी भी प्रकार के न्यायिक मामलों में किसी भी प्रकार से न्यायालय या आधुनिक न्याय प्रणाली का उपयोग किया जाए कंपनी के निजी कर्मचारियों के व्यापार पर बैन लगाया गया था क्योंकि वास्तविक रूप में इसके पीछे की पृष्ठभूमि यह थी कि कंपनी ने लोन की अर्जी की थी संसद से जिस कंपनी ने यहां राजनीतिक शक्ति हत्याई थी उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि उसने लोन की अर्जी की थी और जब वहां की संसद ने एक रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने कहा कि कंपनी के कर्मचारी जब निजी व्यवसाय करते हैं तो कंपनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसलिए सत्रह में कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया 1773 के इस कानून में चार बड़ी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल प्रतिबंध लगाया जाना जो कि बहुत अद्भुत था और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट आप कहेंगे सर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जी हाँ क्योंकि कंपनी की पहली राजनीतिक शक्ति जो प्रारंभ हुई थी वो बंगाल में थी और इसी कारण से कलकत्ता इनकी राजनीतिक शक्ति का केंद्र था और लगभग 1911 तक यह केंद्र बना रहा जब 1912 में दिल्ली को शिफ्ट किया गया उसके बाद दिल्ली राजनीतिक केंद्र की भूमिका में आती है 1773 के इस कानून के बाद सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट आता है यह भी एक प्रकार का रेगुलेटिंग एक्ट है क्योंकि शुरुआत के कानूनों से अनुभव लेकर ब्रिटेन की संसद ने यहां के कानून व्यवस्था को और बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए कुछ और संशोधन किए और सत्रह में 11 वर्ष के बाद एक कानून पारित किया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा अब कंपनी के दो काम थे एक तो व्यापार करना और दूसरा काम था राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित करना इसलिए कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो कि व्यापारिक शक्तियों पर काम करेगा कंपनी ध्यान देगी कि कैसा व्यापार चल रहा है कौन सा व्यापार करना है कंपनी के व्यापारिक सभी निर्णय बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा लेकिन कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों के लिए इन्होंने पूरी तरह से संसद जो वहां से कहेगी उसके अनुसार प्रशासनिक कामों को नियंत्रित किया तो सत्रह पिट्स इंडिया एक्ट है इसके रूप में कानूनी रूप से कंपनी को कहा कि देखो व्यापारिक तुम अपने अनुसार करो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेकिन जो भी प्रशासनिक काम है वो हमारा गवर्नर जनरल के तहत देखा जाएगा और पहली बार इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया जैसे कि मैंने प्रारंभ में अपनी कहानी में कहा कि कंपनी के माध्यम से वहां की संसद धीमे धीमे कंपनी की राजनीतिक शक्ति को अपने कब्जे में करती है तो जो कंपनी ने क्षेत्र भारत में हथियाए थे अब उसको भारतीय क्षेत्र नहीं कह रहा है अब वो ब्रिटिश क्षेत्र कह रहा है इनडायरेक्टली इन शब्दों का तात्पर्य हुआ कि संसद कहीं ना कहीं यह बताना चाह रही है ब्रिटेन की कि अब वो ब्रिटिश के क्षेत्र हैं वो कंपनी भले ही वहां पर काम कर रही है लेकिन वह ब्रिटेन की महारानी के अधीन है इनडायरेक्टली अब कहानी आती है 1813 का चार्टर एक्ट अब 1813 के दौरान दुनिया थोड़ी बदल गई थी क्योंकि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूरे इंग्लैंड में बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ होने शुरू हो गए थे अब बाकी की कंपनियां जो इंग्लैंड की थी वो भी कहती थी कि भाई हमें भी तो भारत में व्यापार करने का मौका दीजिए जब वहां के ब्रिटेन की संसद पर दबाव बढ़ा तो इस कंपनी ने इस ब्रिटेन की संसद ने जो पुरानी कंपनी भारत में आई थी इसके कई एकाधिकार को खत्म किए इसके कुछ जगह एकाधिकार रहने दिए गए बाकी सब जगह एकाधिकार को खत्म कर दिया गया 1813 के माध्यम से इन्होंने भारत का अध्ययन करने के लिए और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए 1813 में मिशनरियों को आने की अनुमति दी 1813 में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार थे सब खत्म कर दिए गए दो एकाधिकारों को छोड़कर एक तो चाय के साथ जो व्यापार होता था कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर अभी भी उसी का एक राज था कोई भी इंग्लैंड की कंपनी उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी क्योंकि महारानी ने किसी दूसरी कंपनी को भारत में चाय के व्यापार में जोड़ा ही नहीं चीन के साथ जो व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का उस व्यापार में भी उन्हीं के एकाधिकार रहे बाकी सभी मामलों में अब ब्रिटेन की संसद ने वहां की अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी तो 1813 में जहां पर कुछ जगह पर एकाधिकार है बाकी सब एकाधिकार खत्म कर दिए गए अठारह में मिशनरियों की भी अनुमति मिल गई चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में विज्ञान और साहित्य के विकास के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी क्या एक लाख रुपए कंपनी ब्रिटेन से लाकर खर्च करेगी जी नहीं कंपनी जितना राजस्व जितना रिवेन्यू जितना पैसा भारत से कमा रही थी उसमें से एक लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है वो भारत के अध्ययन के लिए और यहां के लोगों की परंपराओं को जानने समझने यहां के विज्ञान और साहित्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए खर्च करेगी ताकि यहां की कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जा सके तो 1773 में पहली बार कंपनी को कहा कि अब प्रशासनिक व्यवस्था हमारे अनुसार चलाओगे गवर्नर जनरल का पद बनाया, एक राजनीतिक और व्यापारिक व्यापारिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल से होगा लेकिन जो भी प्रशासनिक काम है वो गवर्नर जनरल के माध्यम से होगा साथ ही साथ अठारह के इस कानून में कंपनी को अब न, एक तरीके से नियंत्रित करते हुए कई कंपनियों को मौका दिया गया इंग्लैंड के फिर आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट अब यहां से चार्टर एक्ट आया और 1813 में पहली बार पूरे के पूरे कंपनी के जितने प्रशासनिक क्षेत्र थे राजनीतिक क्षेत्र जो कंपनी ने भारत में हड़प लिए थे प्राप्त कर लिए थे जीत लिए थे उन्हें अब भारत का क्षेत्र वो भी ब्रिटेन के अंडर माना गया कंपनी का पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1833 के इस कानून में जो ब्रिटेन का, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इनडायरेक्टली पूरे क्षेत्र पर एक तरीके से ब्रिटेन की संसद ने कब्जा कर लिया अप्रत्यक्ष रूप से भारत अब उसके कब्जे में था अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि अभी भी कंपनी की कुछ ना कुछ भूमिका थी कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया कानून बनाने की शक्ति अब गवर्नर जनरल को दी गई यहां पर प्रशासनिक मामलों में केंद्रीयकरण मतलब अधिकतर जगह पर पूरी तरह से गवर्नर जनरल को बहुत शक्तिशाली बनाया गया भारतीयों के साथ धर्म जाति रंग वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसा अठारह के कानून में कहा गया बीस बीस वर्ष के ये कानून है सत्रह सो तिहत्तर सत्रह सो तिरानवे भी आप कह सकते हैं फिर अठारह सो तेरा फिर अठारह सो तैतीस अब अठारह सो त्रेपन अठारह सो त्रेपन में ये जो बीस बीस साल की मियाद होती थी इस बीस बीस साल की जगह अब लिख दिया कि कभी भी ब्रिटेन की संसद इस कंपनी से पूरी की पूरे कानून को या पूरे के पूरे भारत के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकती है कभी भी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई 1853 में अठारह त्रेपन में बस एक ही चीज हुई थी कि पूरी तरह से कह दिया गया कि अब कभी भी हमारे कंट्रोल में हम ले सकते हैं 1857 की क्रांति में जब वहां से सेना भेजी गई थी तो उस इंग्लैंड की सेना ने ही भारत में इन क्षेत्रों को जो कि ब्रिटेन की कंपनी ने प्राप्त करके रखे थे बचाने में मदद की और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि अब तुम केवल व्यापार पर गौर करो पूरे भारत का शासन व्यवस्था अब हमारी संसद संभालेगी और इस तरीके से भारत अब डायरेक्टली ब्रिटेन की संसद के अंडर में महारानी के अंडर में आ गया और भारत वास्तविक रूप में अब पूरी तरह से ब्रिटेन का उपनिवेश गुलाम बन गया अठारह में कहा गया कि गवर्नर जनरल को अब हम वाइस राय कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिए गए जो कि कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक काम देखते थे बल्कि उसकी जगह पर संसद में ब्रिटेन की संसद में एक सचिव पद बनाया गया और यहां पर एक तरीके से वाइस राय का पद ये मंत्री और सेक्रेटरी जैसे होते वैसा ही है तो वो जो वहां सचिव है वो मंत्री है वो मंत्री है जिसको भारत की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो किसकी मदद से काम कर रहा है भारत के वाइस राय की मदद से वाइस राय भारत का प्रशासनिक सर्व प्रमुख माना जाएगा भारत के सचिव का पद बनाया गया सचिव की सहायता के लिए पंद्रह सदस्यों की परिषद आई अब 1861 का परिषद कानून आता है 1861 के इस भारत परिषद अधिनियम में क्या परिषद अधिनियम था एक्चुअली इनको भी अब महसूस होने लगा कि यदि अठारह जैसी चीजों को रोकना है तो हमें यहाँ के राजा यहाँ के समझदार बुद्धजीवी लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि भाई बताओ यहाँ के क्षेत्र में कैसे कानून व्यवस्था चलाई जाए लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए और इसी के तहत अठारह में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत हुई प्रांतों के लिए विधान परिषद मतलब जो भी इनके अलग अलग प्रांतीय क्षेत्र थे वहां पर जो गवर्नर था उनमें भी अब एक एक बनाया गया कि आपके पास भी एक मंत्रियों का समूह रहेगा को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कि अगर मान लो कभी चर्चा ना हो रही हो तो वाइस केवल एक बात पेश करके साइन करके भारत में कभी भी कोई भी कानून लागू कर सकता था मतलब एक अकेला व्यक्ति पूरे देश में कानून को लागू करने की ताकत लगाने लगा प्रांतों को कानून बनाने की बर, बना प्रदान की गई फिर आया अठारह बानवे का भारत परिषद अधिनियम इसमें विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार था अब आपको थोड़ा सा मैं विश्राम दे रहा हूं ध्यान से सुनना ये अठारह बानवे का मतलब क्या हुआ सर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। देखो अभी तक क्या होता था कि ये जो गवर्नर जनरल थे ये गवर्नर जनरल हैं और ये बाकी सब जो सदस्य इसके गवर्नर जनरल में थे वे बस मिलजुल 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 भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में सारे निर्णय लेते थे ध्यान से सुनना पर अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये जनाब ये जनाब जिन्हें मैंने रेड पेन से दर्शाया है इनको भारत में व्यय और आय का लेखा जोखा बताना है व्यय और आय का लेखा जो का बताना है तो बाकी लोगों को अधिकार दिए गए कि इनसे सवाल पूछिए इनसे पूछिए कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ इसका मतलब अभी तक जो सब लोग मिलजुल कर करते थे अब जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए उत्तरदायित्व भी तय किया गया यहाँ से संसदीय व्यवस्था जैसे लक्षण शुरू हुए हमारे संसद में या कहीं पर भी किसी भी संसद में यही होता है कि जो भी जिम्मेदारी पूर्वक काम करने के लिए तैयार किया गया है उसे कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि संसदीय व्यवस्था कहते इसी को है कि जिसमें जो भी मंत्री हैं जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति है उससे सवाल जवाब पूछे जाए तो वो जवाबों के लिए तैयार रहे और वो अपने पूरे कार्यों का विवरण दे सके तो एक तरीके से जो सवाल पूछने की ताकत होती है उसे कहते विधायिका या जो कानून बनाने की शक्ति होती है उसे कहते विधायिका और जो कार्य करते हैं उन्हें कहते कार्यपालिका तो अब धीमे धीमे कार्यपालिका और विधायिका दिखने लगी जिनको काम सौंपे गए वो कार्यपालिका बन गए और जिन्होंने सवाल पूछने शुरू किए वो विधायिका का रूप बनने लगे विधान परिषद में राज्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया मतलब राज्यों में एक तरीके से इनडायरेक्टली निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई उतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं स्किप कर दो हां लेकिन अठारह सो में पहली बार प्रश्न पूछने की बातचीत शुरू हुई फिर कानून आता है 1909 का जो कि एक बड़ा कानून था भारत परिषद अधिनियम के साथ साथ इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं सर इसे मार्लेमेंटो सुधार क्यों कहते हैं वास्तविक रूप में ये दो महान शख्स थे एक मार्ले साहब थे जो कि ब्रिटेन में सचिव के पद पर बैठे थे और मिंटो उस समय भारत के वाइस राय थे वाइस राय और सचिव इन दोनों के द्वारा ही पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी तो इस कानून में इन्होंने क्या किया भारत में अब धीमे धीमे ये फूट डालो की राजनीति शुरू करेंगे क्योंकि 1909 तक आते-आते भारत के कई राजनीतिक शक्तियां इतनी मजबूत हो गई थी कि ब्रिटेन के संसद को लगने लगा था कि फिर से अठारह जैसा कुछ बड़ा ना हो जाए इसलिए भारतीय लोगों को एकजुट न होने दिया जाए उनमें बंटवारा किया जाए धर्म के आधार पर या किसी भी अन्य प्रकार से तो 1919 में इन बदमाशों ने निर्वाचन की पद्धति में सांप्रदायिक निर्वाचन जोड़ा सांप्रदायिक निर्वाचन का तात्पर्य होता है कि किसी भी निश्चित जगह पर एक निश्चित धर्म के लोग ही उतरेंगे और उसी धर्म के लोग वोट डाल सकेंगे दूसरे धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा जैसे हमारे यहां सार्वभौमिक शब्द उपयोग करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसका मतलब सबको अधिकार मिलेगा जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा लेकिन 1909 में इन लोगों ने इसी के आधार पर मुस्लिमों के लिए कुछ जगह आरक्षित करना शुरू कर दी पहली बार वाइस राय की परिषद में कार्यपालिका में किसी भारतीय को शामिल किया गया अभी तक विधायिका में अठारह वाले में किया गया था मतलब जो सभी के लोग मिलकर थे पर कार्यपालिका का मतलब जिनमें भारत को भी भारत के नागरिक को भी कोई काम सौंपा गया एक तरीके से मंत्री बनाया गया भारत का कोई व्यक्ति अठारह में भारत का व्यक्ति सांसद बनाया गया ऐसे सोचना जैसे वर्तमान में सांसद बनते हैं और सांसद फिर मंत्री बनते हैं तो अठारह में भारत के कुछ लोगों को सांसद बनाया गया ऐसा सोचो और उन्नीस में पहली बार भारत का कोई व्यक्ति मंत्री बना ऐसा सोचो भारत सचिव की परिषद में दो भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया और मुसलमानों के लिए सार्वजनिक सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया अब यहां से हर दस दस साल में सुधार होते चलेंगे 1909 में कुछ और सुधार किए जाएंगे 1919 में फिर तीसरे सुधार उन्नीस में होने चाहिए लेकिन ब्रिटेन में भी चुनाव हो जाते हैं सत्ता बदलती है समय लगता है अठारह का अधिनियम आता है तो अगला अधिनियम आया

सब लोगों को नहीं दिए जो लोग टैक्स देते थे जो लोग कर चुकाते थे उन लोगों को अधिकार दिए गए और उसके आधार पर ही सही लेकिन पहली बार निर्वाचित सरकार यहाँ से प्रारंभ होती है और हमारे लोगों को पता चलता है कि हम किसी को शासन के रूप में चुनने के लिए मतदान कर सकते हैं पहली बार ही सही लेकिन भारत की भूमि के लिए एक बेहतरीन कदम था शिक्षा संपत्ति और कर के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राज्यों में कम उत्तरदायी सरकार लेकिन बनाई गई और प्रांतीय विधानमंडल में प्रांतीय विधानमंडल में दोहरा शासन सर ये दोहरा शासन क्या है इन अंग्रेजी हुकूमत ने क्या किया कि राज्यों में निर्वाचित सरकार बनी तो कई निर्वाचित सरकार ये ना कह बैठे कि मैं तो चुना हुआ हूं मैं जो चाहू वो करूंगा तो इन बदमाशों ने पूरे राज्य को जो अधिकार दिए जाएंगे उसे दो भागों में बांटा कुछ अधिकार वहां के गवर्नर को दिए और कुछ अधिकार चुनी हुई सरकार को एक म्यान में दो-दो तलवारें रखी परिणाम यह हुआ कि राज्य में कोई काम हो ही नहीं पाया 1935 में जो तीसरा कानून इनका आएगा इसी प्रकार का उसमें कहेंगे कि भई ये कुछ ठीक नहीं है और राज्यों में पूरी तरह से उत्तरदाई सरकार बनेगी लेकिन यही प्रयोग ये बदमाश 1935 में केंद्र में कर देंगे कि वाइस राय को कुछ अधिकार दे देंगे और चुनी हुई सरकार को कुछ अधिकार दे देंगे तो 1935 के कानून में द्वैध शासन राज्यों में खत्म होता है लेकिन केंद्र में प्रारंभ हो जाता है इस पॉइंट को नोट कर लेना प्रांति विधानमंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय दो भागों में जो रखे गए हस्तांतरित विषय मतलब जो कि चुनी हुई सरकार को मिलेंगे और आरक्षित विषय जो गवर्नर को मिलेंगे सिखों भारतीय ईसाइयों आंग्ल भारतीयों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 में केवल मुसलमानों के लिए था अब वो भारतीय ईसाई आंग्ल भारतीय और सिखों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन कर दिया और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जी हाँ उन लोगों के लिए यूपीएससी नामक एक संस्था का निर्माण किया जो कि केंद्रीय स्तर पर ए ग्रेड की परीक्षाओं या ए ग्रेड के सिविल सर्वेंट की भर्ती कराएगी और यूपीएससी का गठन इस कानून के माध्यम से हुआ पहली बार केंद्र और राज्य के बजट को भी अलग किया गया था इसी कानून के माध्यम से केंद्र और राज्य के बजट को भी इसी के तहत अलग किया गया था तो इसी के तहत अलग किया गया राज्यों का बजट पहली बार राज्य ने अपने अपने बजट पेश किए केंद्र ने अन्यथा इसके पहले बजट एक ही बार आता था जिसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को पैसे के रूप में दे दिया जाता था फिर आया भारत का सबसे लंबा कानून जो कि ब्रिटेन की संसद ने भेजा ब्रिटेन की संसद लगातार कानून के आधार पर अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश में लगी थी लेकिन भारत के राजनेता भी भारत की आजादी में निरंतर लगे हुए थे और इसी की लड़ाई में 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम बनाकर संसद वहां की संसद ने भारत को भेजा और क्या क्या कहा इसमें पहली बार अखिल भारतीय संघ शब्द का उपयोग किया अभी तक वो भारतीय क्षेत्र कहते थे अब अखिल भारतीय संघ मतलब पूरा भारत कहा जिसमें भारत के राजा देसी रियासतें और भारत डायरेक्टली जहां जहां ब्रिटेन का कानून चलता था उसको शामिल किया गया तो हम ये कह सकते हैं लाल लालियो की पहली बार भारतीय संघ शब्द का उपयोग 1935 के अधिनियम में आया लिखित रूप से पहली बार केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया इसीलिए यूपीएससी ने कहा था एक मेंस के प्रश्न में कि 1935 का जो अधिनियम है यह एक ऐसा अधिनियम था जो एक बार आगे चले गए तो पीछे उससे लौटना नामुमकिन था क्योंकि इस अधिनियम में कुछ ऐसी बातें कर दी गई थी जो भविष्यवर्ती थी अब उससे पीछे मुड़ पाना संभव नहीं था जैसे कि अखिल भारतीय संघ शब्द का उपयोग जैसे कि लिखित रूप से केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति प्रांत में अब उत्तरदायी सरकार 1919 के अधिनियम में जो अंशतहत उत्तरदायी सरकार थी अब पूरी उत्तरदायी क्यों क्योंकि 1919 में प्रांत की सरकारों को पूरे अधिकार नहीं थे इसलिए अंशत उत्तरदायी थी अब जब पूरे अधिकार मिल गए क्योंकि द्वैध शासन तो प्रांतों में 1935 में समाप्त हो गया लेकिन केंद्र में शुरू हो गया था प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका और आरबीआई की स्थापना भी इसी कानून के तहत करवाई गई थी और अंतिम था अब भारत की आजादी का समय था भारत छोड़ो आंदोलन जैसा आंदोलन था उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई पूरे विश्व में साम्राज्यवाद का विरोध किया जाने लगा क्योंकि जर्मनी और जापान इतने साम्राज्यवादी हो गए थे कि साम्राज्यवादी की नजरिए से पूरे विश्व पर अपना कब्जा करना चाहते थे विश्व के प्रत्येक देश ने घोर आलोचना की साम्राज्यवाद की तो ये ब्रिटेन भी तो कोई दूध का धुला नहीं था इसको भी क्रिटिसाइज किया गया ब्रिटेन में चुनाव हुए और वहां की लेबर पार्टी जीती लेबर पार्टी मानव अधिकारों को ध्यान रखती थी इसलिए वहां की नई सरकार ने भारत की आजादी की घोषणा की 1948 की बात हुई थी लेकिन एक साल पहले ही आजाद करना पड़ा क्योंकि भारत में दंगों से लोगों की संख्या बड़ी संख्या में मौत हो रही थी पूरे विश्व में ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था तो वो जल्द से जल्द मुक्ति चाहता था कि इसके लिए मुझे कोई जिम्मेदार न ठहराए तो आनंद फानंद में भारत को आजाद किया और उन्नीस

शक्तिशाली न हो इसे इतने करके चले जाएंगे समय के बेटन, उस समय समय के के पटेल साहब या उस समय के जो महाराजा पंजाब के राजा थे उनकी बदौलत भारत के हिस्से नहीं हो पाए और केवल दो ही देश बन गए और आज भारत फिर से अपनी ताकत और मजबूती के साथ खड़ा हो गया तो यह था उन्नीस तक के भारत के संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसके कारण धीमे, धीमे ही सही हमें पता चला कि किस तरीके से कानूनों को लिखित रूप में बनाया जा सकता है और किस तरीके से किताब के माध्यम से पूरे शासन की व्यवस्था को चलाया जा सकता है अब भारत आजाद होता है और भारत की संविधान सभा बनती है संविधान सभा में जो लोग हैं वो चुने हुए नहीं हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सभाओ ने भेजे हैं देशी रियासतों ने भेजे हैं पर फिर भी वे जो लोग हैं वे सब बुद्ध लोग हैं जो भारत के भविष्य को एक एक बेहतर रूप देने के लिए एक ऐसी ऐसी किताब का निर्माण करना चाहते हैं जो पूरे भारत में ऐसी कानून व्यवस्था बना सके जिसमें प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके क्योंकि भारत की आजादी में गरीब से लेकर अमीर भारत की आजादी में महिलाओं से लेकर पुरुष भारत की आजादी में एस सी से लेकर जनरल भारत की आजादी में हर तबके के लोगों ने भाग लिया था हर एक की उम्मीद पूरी हो सके यहां की इस कानून व्यवस्था ऐसी हो कि सबको सभी प्रकार के अधिकार मिल सके जिनसे वो अभी तक वंचित थे और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन कानून की किताब लिखी जिसे भारत का संविधान कहते हैं और इस किताब को लिखने का श्रेय जाता है संविधान सभा को इस गठन का विचार पहली बार पहली बार एम एन राय साहब थे इन्होंने ही पहली बार बताया था कि भारत का भी संविधान होना चाहिए जो भारतीयों के द्वारा लागू शुरू होना चाहिए पहली बार कांग्रेस ने 1935 में इसकी मांग ब्रिटेन के सामने की कि हमें भी संविधान बनाने की बात करो और ब्रिटेन की सरकार ने 1940 में एक प्रस्ताव जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है तब इसको स्वीकार कर लिया था कि ठीक है भारत को हम अधिकार देंगे कि वो अपने देश के कानून खुद बनाए हमारी संसद कानून नहीं बनाएगी नाइनटीन में कैबिनेट मिशन के द्वारा ये फाइनली तय हो गया कि भारत का संविधान अब भारत के ही बनाएंगे इसमें जो आधार था कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था लेकिन देसी रियासतों में राजा जिसको भेज देगा वही संविधान सभा का प्रतिनिधि बन जाएगा प्रांतीय विधायिकाओं में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के लिए लोगों को भेजा गया किसी का भी प्रत्यक्ष चुनाव होकर संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया था अब ये संविधान सभा लगभग दो वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक बैठती है भारत के लिए कानूनों पर विचार विमर्श करती है सभी प्रकार की बातों पर ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो भारत के लोगों के लिए भारत की भूमि के लिए और भारत की विविधता के लिए सटीक बैठ सके आइए देखते हैं भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान निर्माण में किन किन स्रोतों का उपयोग किया किन किन सोर्सेस का उपयोग किया जिसके माध्यम से उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था सबसे पहला भारत शासन अधिनियम क्योंकि सबसे बड़ा कानून 1935 का था बहुत सारी बातें इसमें ऐसी थी जो कि वास्तविक रूप में एक स्वतंत्र देश में होनी चाहिए थी यदि वह स्वतंत्र देश एक संसदीय व्यवस्था का अनुसरण करना चाहता है क्या क्या 1935 से हमने लिया तो भारत की संघीय व्यवस्था सर ये संघीय व्यवस्था क्या होती है देखो लाल लालियो संघ का मतलब होता है एक तरीके की सोसाइटी जैसे होती है कि हम लोग जो है भारत भारत क्या है इन सभी राज्यों का इन सभी देसी रियासतों का जोड़कर बनाया गया एक देश है और इसीलिए इस देश को हम संघीय व्यवस्था कहेंगे संघ कहेंगे पर यहां के जितने भी राज्य होंगे उन्हें अलग होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तभी जाकर भारत में लंबे समय तक हम संविधान के अनुसार शासन चला पाएंगे तो संघ का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों से छोटे छोटे राज्यों से कई सारे देशी रियासतों से मिलकर इस पूरे भारत का निर्माण किया गया है न्यायपालिका न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट 1935 में ही बन चुके थे आपातकालीन उपबंध रखे गए क्योंकि भारत जैसे इतने विविधता वाले देश को चलाने के लिए अगर परिस्थितियां बहुत खराब हो जाए तो उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं जैसे हम लोग भी अपने यहां पर जब भी इमरजेंसी होती है तब बाकी चीजों पर गौर नहीं करते कुछ केवल उस परिस्थिति को सामान्य करने के लिए लगे रहते हैं तो आपातकाल के जो भी प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं वो 1935 के इन्हीं कानूनों से लिए गए हैं राज्यपाल जो होगा वो भारत में जो राज्यपाल राज्यों में भेजा जाता है वो केंद्र का एजेंट भी है और साथ ही साथ वह राज्य का प्रमुख भी है और ये कहाँ से सीखा हमने कि ऐसा एक व्यक्ति चुना जाएगा जो राज्य में जाएगा देखेगा कि मुख्यमंत्री सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है कई मुख्यमंत्री भारत से अलग होने के लिए लोगों को प्रेरित तो नहीं कर रहा है तो केंद्र का एक एजेंट भेजा जाने लगा वैसे मैं ये मानता हूं कि वर्तमान में राज्यपाल को फिर से पूरी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि जिस दौर में राज्यपाल का निर्माण किया गया था वो दौर कुछ और था उस दौर की समस्याएं कुछ और थी और उस दौर में भारत की एकता और अखंडता के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे वो बात का मुद्दा है लेकिन राज्यपाल भी होगा ये सारी बातें हमने उन्नीस से ली है लोक सेवा आयोग 1919 में बनाया गया था उसकी शक्ति और प्रशासनिक जितने भी, भी विवरण थे 1935 से लिए फिर हमने ब्रिटेन से भी बहुत कुछ सीखा क्या सीखा हमने क्योंकि ब्रिटेन लंबे समय तक एक संसदीय व्यवस्था का निर्माण कर चुका था उसके अपने अनुभव थे और वो लंबे समय तक बिना किसी राजा के एक लोकतांत्रिक सत्ता को चलाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने वाला देश बन चुका था तो हमें सीखना पड़ेगा भाई कि वो कैसे देश सारा है तो हमने भी संसदीय व्यवस्था बनाई है क्योंकि उसकी जो कानून प्रणाली थी वो संसदीय व्यवस्था के जैसी थी तो भारत में भी संसदीय व्यवस्था कहीं ना कहीं ब्रिटेन की देन रही तो हमने ब्रिटेन से क्या क्या सीखा संसदीय शासन प्रणाली सर ये संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें लोग चुनकर भेजे जाते हैं और उनमें से कुछ लोग जिनको सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लोगों ने चुना है वे सरकार बनाते हैं और वही लोग सरकार को चलाते हैं और बचे हुए लोग इनसे सवाल जवाब करते हैं कि आप सरकार चला रहे हो तो गलत कानून या गलत नियमों का उपयोग तो नहीं कर रहे हो तो इसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था जिसमें काम करने वाले लोग और जो सवाल पूछने वाले लोग हैं वो एक ही जगह बैठेंगे जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में काम करने वाले लोग अलग बैठेंगे और कानून बनाने वाले लोग अलग बैठेंगे लेकिन यहां कानून बनाने वाले और काम करने वाले लोग एक ही रहते हैं फिर विधि का शासन हमने सीखा कि भाई कानून के तहत ही सब कुछ होगा कानून के आधार पर ही सब तय किया जाएगा तो उसे कहेंगे कानून का शासन फिर एक विधायी प्रक्रिया की कोई भी प्रोसेस जब होगी तो जो हम किताब में लिख रहे हैं उसके अनुसार होगी एकल नागरिकता पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय कहा जाएगा कैबिनेट प्रणाली कि यहां पर एक मंत्रिमंडल होगा अधिकार परमाधिकार लेख संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था जो कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा आती है संसदीय विशेष अधिकार का मतलब संसद के लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो ब्रिटेन के लोगों में संसदों सांसदों को भी दिए जाते हैं हमने भी वो अधिकार यहाँ के लोगों को दिखे हैं परमाधिकार की इतनी कोई जरूरत नहीं लेकिन याद रख लेना की परमाधिकार लेख भी हमने ब्रिटेन से लिया है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम से बहुत सारी बातें ली ब्रिटेन से बहुत सारी बातें ली और उसी समय अमेरिका की शक्ति को देखते हुए हर कोई राष्ट्र अमेरिका की शासन व्यवस्था ही नहीं आर्थिक और सामाजिक हर व्यवस्था का अध्ययन कर रहा था तब अमेरिका की भी बहुत सारी बेहतर बातें हमें सीखने को मिली उस दौर में जब द्वितीय विशुद्ध खत्म होकर परमाणु बम का उपयोग करने वाला यह देश बना तब हमने इससे भी बहुत कुछ सीखा ये इसने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हुए थे और यह मूल अधिकार हमने भी सीखे कि हमारे नागरिकों को भी मिलने चाहिए क्योंकि अगर नागरिक को मूल अधिकार मिलेंगे तो कोई भी शासन कोई भी सत्ता नागरिकों का शोषण नहीं कर पाएगी और इसीलिए हमने मूल अधिकार दिए कि कोई भी सत्ता नागरिकों का शोषण ना कर सके न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप ना हो न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम कर सके न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का मतलब मतलब हुआ कि कोई भी कानून को सुप्रीम कोर्ट चेक कर ले कि संविधान के अनुसार बनाए कि नहीं अगर नहीं बनाए तो उस कानून को शून्य घोषित कर दे उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाएगा यह हमने अमेरिका से सीखा राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा यह हमने अमेरिका से सीखा और हमने अमेरिका से उपराष्ट्रपति के पद का भी पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त करके हमारे संविधान में लिख दिया कनाडा के संविधान से भी हमने सीखा कि सशक्त केंद्र अब जरा यहां समझना कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के दो, दो केस स्टडी हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया भी संघ है राज्यों से मिलकर बना है कनाडा भी संघ है राज्यों से मिलकर बना है लेकिन कनाडा में जो केंद्र की सरकार है जो कि हम जैसे दिल्ली की सरकार जिसे कहेंगे उसको शक्तिशाली बनाने का पीछे का कारण कनाडा का अनुभव था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां हैं और उसके कारण समस्या कुछ नहीं है वहां पर पर हमारे यहां आ सकती है क्यों क्योंकि हमने कई देसी रियासतों को जोड़कर भारत बनाया था वो देसी रियासतें अगर शक्तिशाली हुई तो फिर से अलग हो सकती थी हम नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई मौका मिले इसलिए हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया और यह पूरा ज्ञान हमें कनाडा के संविधान से प्राप्त हुआ तो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी ये कनाडा ने बताया केंद्र और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति पर केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे और उच्चतम न्यायालय परामर्शी न्याय निर्णय मतलब उच्चतम न्यायालय कई जगह पर जो भी निर्णय लेगा वह सभी के लिए कानून का काम करेगा फिर हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं सर कोई भी शासन चलाना चाहता है तो उसको भी कुछ नियमों का पालन करना है उसे भी कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है वो नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं ये हमने आयरलैंड से लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग होता है हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग होता है ये हमने आयरलैंड से सीखा फिर राज्यसभा के सदस्यों का कैसा निर्वाचन होगा ये भी हमने आयरलैंड से सीखा ऑस्ट्रेलिया से हमने एक और नई चीज सीखी समवर्ती सूची कुछ कानून ऐसे होंगे केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये केंद्र की सूची राज्य की सूची और कुछ कॉमन सूची उसे संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखा व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पूरे देश में हरेक को मिले यह हमें ऑस्ट्रेलिया ने बताया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को एक साथ बिठाकर निर्णय लिए जा सकते हैं ये भी हमने सीखा यह ऑस्ट्रेलिया ने हमें बताया फ्रांस के संविधान से हमने देखा कि हमें कोई राजा नहीं चाहिए जैसे कि ब्रिटेन में महारानी होती है सम्या, सम्या, हमने कहा कि नहीं हमारे यहाँ पर जो प्रमुख होगा वो चुना जाएगा इसलिए हमने गणतांत्रिक प्रणाली फ्रांस से चुनी स्वतंत्रता समता और बंधुता जैसे विचार फ्रांस से चुने इसलिए हर फ्रांसीसी में समता और बंधुता का भाव हमें मिलता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को सीखा कि ये जो किताब लिखी जा रही है अगर इस किताब में कोई बदलाव करना है तो ये बदलाव कैसे किए जाएंगे ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माताओं ने लिख कर दिया था हमने उनसे सीखा कि बदलाव ऐसे किए जा सकते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अफ्रीका से और जो नामांकन है सदस्यों का नामांकन वो आयरलैंड से हमने लिया है निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जर्मनी के विमर संविधान जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बेहतरीन संविधान माना गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है तो यह हमने जर्मनी से सीखा है क्योंकि वहां पर लोगों को एकजुट करने के लिए कई बार उनके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है फिर जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 जो लाया गया है वो जापान के संविधान से लाया गया है तो एक तरीके से हमारा संविधान कई अलग अलग देशों के ज्ञान कई अलग अलग देशों के अनुभव हमारे भारतीय राजनीतिज्ञों के अनुभव और हम पर शासन करने वाले ब्रिटेन के अनुभव के आधार पर निर्मित हुआ और इस पूरे संविधान को लगभग आठ अनुसूची आठ चैप्टरों में बांटा गया आज भारत के संविधान में बारह अनुसूचिया हैं तो आइए पहले अनुसूचियों पर एक नजर डाल देते हैं जो कि भारतीय संविधान में हमें बताएगा कि कौन कौन सी बातें हमारे संविधान में वर्णित की गई है अभी तक अभी तक हमने सीखा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी तक हमने सीखा कि किस तरीके से भारतीय संविधान में अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लाई गई हैं अब हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान की और इस भारतीय संविधान में कुल बारह अनुसूचियां हैं आइए जानते हैं कि इन बारह अनुसूचियों में कौन कौन सी अनुसूची में कौन कौन से विषय है कौन कौन से विषय है आइए जरा ध्यान से देखना एक बार जरा कमेंट्स कर दीजिएगा थोड़ी रफ्तार कम करूं या ये सही रफ्तार है एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा कि यह स्पीड ठीक लग रही है या थोड़ा डाउन कर दूं मुझे बता दीजिएगा कि क्या यही स्पीड सही है या थोड़ा डाउन कर दूं क्योंकि बहुत जरूरी है आज की लड़ाई निरंतर चलती रहेगी आज की लड़ाई में बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा कॉन्टेन रहेगा थोड़ा सा कम ठीक है कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है सर यही बेस्ट स्पीड है क्योंकि इससे हमें सारी बातें समझ में आ जाती है आइए देख लेते कोई बात नहीं थोड़ी सी डाउन करके देख लेते हैं अब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ तो इसमें कुल 12 चैप्टर आज उपस्थित है इसकी पहली अनुसूची है जिसमें हमने बताया है कि भारत में कितने राज्य हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत जिसे कि भारत या इंडिया कहेंगे वो संघ होगा तो पहले चैप्टर में ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति पहले अपने परिवार के बारे में बताएगा तो हमने भी इस किताब में पहले अपने परिवार के बारे में बताया है कि हमारा भारत मतलब क्या है ये पहली अनुसूची है फिर दूसरी अनुसूची में हमने लोगों को हमारे मुखियाओं के बारे में बताया हमने बताया कि हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल विधायिका के पीठासीन अधिकारी कैसे होंगे ये हमारे देश के सबसे प्रमुख पदों में शामिल किए जाते हैं इसलिए दूसरी अनुसूची में इस पूरे देश को चलाने वाली या इस देश के सबसे प्रमुख लोगों के बारे में विवरण है हमने तीसरे में कसमें दिलाई है इनको कि आप कसम खाइए कि आप भारत के संविधान का या इस किताब के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे चौथी अनुसूची में हमने राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया है राज्यसभा में किसने राज्य को कितनी सीटें मिलेगी ये चौथी अनुसूची में हमने बताया है पांचवी अनुसूची में हमने अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए कुछ कानून व्यवस्थाएं की हैं क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जो समाज से पिछड़े हुए हैं इनका शोषण आसानी से हो जाता था इन पर नुकसान आसानी से हो जाता था इनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं छठी अनुसूची में हम लोगों ने असम असम हमने इनके लिए चर्चाएं की हैं कि कहीं पर भी अगर बातचीत आती है तो इन चार राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्र है ये बहुत ही अलग हैं ये बहुत ही अलग प्रकार से जीवन यापन करता है तो इनके बारे में विवरण दिया गया है इन छे को एक बार फिर देख लीजिएगा पहले में हमने बताया कि भारत क्या है भाई दूसरे में हमने बताया भारत के प्रमुख लोग कौन है भाई तीसरे में बताया कसमे खाओ चौथे में कहा कि राज्यसभा को कितनी सीटें किस राज्य से आएगी पांचवे में हमने जनजाति के बारे में चर्चाएं की हैं और छठवे में चार राज्यों के बारे में सातवें में हमने शक्तियों का बंटवारा किया है कि केंद्र को कितनी शक्तियां राज्य को कितनी शक्तियां आठवीं अनुसूची में हमने भारत की भाषाओं के बारे में बात की है क्योंकि भारत में भाषाओं की भी बहुत सारी विविधता है नवी अनुसूची आजादी के बाद कानूनों को या भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए बनाई गई थी दसवीं अनुसूची में हमने पूरी तरह से दल बदल के कानून को मजबूत करने के लिए या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दल बदल वाले लोगों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा ग्यारहवीं अनुसूची में हमने पंचायतों के लिए बातचीत की और बारहवीं अनुसूची में हमने नगर के लिए चर्चाएं की है तो छ याद रख लीजिए अगले छे तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होंगे पहले में भारत बताएंगे दूसरे में भारत के प्रमुख लोग बताएंगे तीसरे में कस्मे देंगे चौथे में राज्यसभा की बात आएगी पांचवी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात आएगी और छठवे में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की बात आएगी छठवे को याद रखना सात बहने वैसे आठ अब आठ बहने होगी लेकिन सात बहनों के नाम पे छठवा याद रखिएगा बाकी सातवा तो सबको पता है शक्तियों का विभाजन आठवें चैप्टर में भाषा की बात है नब्बे में भूमि सुधार है दसवें में दल परिवर्तन है ग्यारहवें में पंचायत है और बारहवीं अनुसूची में नगर पालिका है हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बारह चैप्टर में पूरे के पूरे संविधान का निर्माण किया कानून व्यवस्था और कानून को बनाने वाले नियमों का निर्माण किया जिसे इन बारह चैप्टरों में हम पढ़ते हैं अब हमारे संविधान निर्माताओं ने उस किताब का लिखना प्रारंभ किया जिससे पूरे भारत की कानून व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था तय होगी लाल लाल यो यहां एक महत्वपूर्ण बात ये जो का है ये संविधान लिखने का न केवल उद्देश्य बताएगी बल्कि ये उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं की मानसिकताओं को भी बताएगी कि आखिर किन लक्ष्यों को साध्य करते हुए किन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी किताब का निर्माण किया गया है संविधान बनाने के उद्देश्य को उद्देशिका दर्शाती है अमेरिका के संविधान में उद्देशिका को शामिल किया गया था तेरह दिसंबर 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी और वो संविधान सभा का निर्माण हुआ तब पंडित नेहरू ने इस उद्देशिका को प्रस्तुत किया था 22 जनवरी 1947 को इसे बहुमत के साथ स्वीकार किया गया बहुमत की जगह में पूर्ण मत के साथ कहूं तो ज्यादा बेटर है उद्देशिका के चार मूल तत्व है कि हमारे संविधान में ध्यान से सुनना अब यहां ध्यान से सुनिएगा संविधान के अधिकार देखो हमारे देश में इस समय शासन चलाने वाले लोग शक्तिशाली है उनको शक्ति कहां से मिलती है संसद से संसद को शक्ति कहां से मिलती है संविधान से संविधान को शक्ति कहां से मिलती है हम लोगों से क्योंकि हम सब मिलकर कह रहे हैं कि वो जो पवित्र किताब लिख दी गई है उसके अनुसार हम अपने आप को बदलेंगे हम उस पवित्र किताब के नियमों को मानने के लिए तैयार हुए हैं तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं सरकार शक्तिशाली है सरकार को शक्ति मिलती है संसद से संसद को शक्ति मिलती है संविधान से पर संविधान को खुद शक्ति कहां से मिलती है हमसे आपसे हम सभी भारतीयों से इस संविधान को शक्ति मिलती है और इसीलिए हमारे शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है भारत के नागरिक भारत कैसा देश है संप्रभु सर ये संप्रभु क्या होता है संप्रभु शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है जिसके ऊपर कोई शक्ति ना हो जैसे उन्नीस से पहले हम कितनी भी बात कर ले लेकिन ब्रिटेन की संसद हम पर ध्यान रखती थी तो इसलिए हम संप्रभु नहीं थे संप्रभु का मतलब इस क्षेत्र में हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा समाजवादी का मतलब है समानता की बात प्रत्येक व्यक्ति को समान तरीके से संसाधन मिलेंगे सभी का जीवन समान रूप से मजबूती से आगे बढ़ेगा सबको गरीबों से दूरी मुक्ति मिलेगी सब लोगों को रोजगार मिलेंगे सबका विकास होगा पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा राष्ट्र किसी भी प्रकार से अपने किसी भी कार्य में किसी विशिष्ट धर्म को कभी भी विशिष्ट सुविधाएं नहीं देगा लोकतांत्रिक का मतलब है कि यहां पर जब भी बात आएगी तो जिसको शासन व्यवस्था सौंपी जाएगी वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होंगे कोई जन्मजात शासन व्यवस्था चलाने वाला व्यक्ति नहीं होगा संविधान का उद्देश्य क्या है तो हमारा संविधान न्याय देना चाहता है सबको स्वतंत्रता देना चाहता है सबको समानता और बंधुत्व की भावना में बांधना चाहता है संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 में लेकिन भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया क्योंकि 1930 के अधिवेशन में हम लोगों ने लाहौर अधिवेशन में ही डिक्लेयर कर दिया था कि भारत की स्वाधीनता यहां से मानी जाएगी हमारे उद्देशिका में शब्द है हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनवाएंगे न्याय स्वतंत्रता और समता उपलब्ध कराएंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने हुए इस पूरे संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इन शब्दों में केवल और केवल सीक्वेंस थोड़ा बहुत याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है कैसा किसने कह दिया तो एक्चुअली इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कहा कि उद्देशिका भी संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है और ऐसा संशोधन एक बार किया गया है पर मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए ऐसा संशोधन हो अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है बयालीसवाइनटीन 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को हमारे संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है तो पिताजी ने उद्देशिका भेजी थी और उनकी पुत्री ने तीन शब्दों का उसमें समावेश करवाया है अब आते हैं संघ और इसके क्षेत्र हमारा आर्टिकल एक कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का नए राज्यों का मतलब मैंने बताया है कोई भी भारत के अड़ोस पड़ोस का देश यदि भारत में जुड़ना चाहता है तो हमें आर्टिकल दो में बदलाव करना पड़ेगा आर्टिकल तीन कहता है कि भारत के अंदर ही एक राज्य के दो राज्य बनाने हो या तीन राज्यों के दो राज्य बनाने हो तो आर्टिकल तीन के तहत संसद ये कर सकती है और आर्टिकल चार कहता है कि पुनर्गठन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में मैं रिपीट कर दे रहा हूं हमारा चार आर्टिकल में बताया गया है कि भारत क्या है भाई आर्टिकल दो में बताया कि कोई भी पड़ोस का देश यदि भारत में जुड़ना चाहता है तो क्या प्रावधान रहेंगे आर्टिकल तीन में बताया है कि भारत में ही जो राज्य हैं, अगर हमें उसकी सीमाएं बदलनी है हमें दो राज्यों का निर्माण करना है एक राज्य से तो वो तीन से होगा और चौथे में बताया कि केवल साधारण बहुमत सर ये साधारण बहुमत क्या होता है साधारण बहुमत का मतलब होता है फिफ्टी परसेंट प्लस वन को साधारण बहुमत शब्द कहते हैं और 66 परसेंट या उससे ज्यादा को विशेष बहुमत हमारे संविधान निर्माताओं ने उपयोग किया है राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे डार कमीशन जो 1948 में बना था धर आयोग जो कि 1948 में बना था फिर जेवीपी कमेटी जरा कमेंट्स करना जेवीपी कमेटी जो 1948 में बनी थी और आखिरी आयोग जो बनाया गया था फजल अली आयोग भारत की आजादी के बाद बहुत बड़ी संख्या में राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी तब 1948 में तीन कमीशन बनाए गए डार कमीशन धर आयोग जेवीपी समिति और लास्ट में फजल अली आयोग का निर्माण किया गया वास्तविक रूप में भाषा के आधार पर पूरे भारत में राज्य निर्माण की मांग बहुत तेजी से बढ़ने लगी तब राज्यों के निर्माण के लिए ये आयोग बनाए गए इन्होंने सिफारिश की पर किसी भी आयोग ने नहीं कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करें। हाँ लेकिन फजल अली आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करें लेकिन केवल भाषा के आधार पर नहीं राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं इन तीनों ने कहा डार कमीशन ने धर आयोग ने और जेवीपी ने लेकिन फजल अली आयोग अकेला ऐसा आयोग था जिसने कहा कि भाषा को आधार बनाया जा सकता है लेकिन एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है फजल अली आयोग ने कहा कि भाषाई आधार परंतु एक राज्य एक भाषा का फार्मूला नहीं प्रशासनिक आधार भी होना चाहिए सांस्कृतिक आधार भी होना चाहिए और आर्थिक आधार क्योंकि इसके पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य था पर कुछ लोग गुजराती बोलते थे कुछ लोग मराठी बोलते थे इसके आधार पर दो राज्यों की संकल्पना की गई फजल अली साहब ने कहा कि भाषा को आधार बनाया जा सकता है लेकिन एक भाषा और एक राज्य करेंगे तो देश के कई टुकड़े हो सकते हैं और इसलिए फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में पहली बार भाषा को आधार की बात स्वीकार की फिर हम आते हैं नागरिकता नागरिकता की अगर बात करूं मैं लाल लालिओ तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत का कौन नागरिक होगा यह आर्टिकल पांच से लेकर ग्यारह तक में बताया है हमारे देश में एकल नागरिकता है सर ये एकल नागरिकता बार बार क्यों कह रहे हैं आप देखो भाई एक्चुअली अमेरिका जैसा देश या कई सारे अन्य देशों में जहां पर संघ होता है वहां दो नागरिकताएं होती है एक तो अमेरिका का नागरिक होना पहली बात और दूसरा राज्य का नागरिक होना इसलिए उनके पास दो नागरिकता होती है कि वो पर्टिकुलर राज्य के हैं और फिर अमेरिका के हैं हमने कहा यहां पर किसी भी प्रकार से नागरिक प्रमाण पत्र में हम ये नहीं कहेंगे कि वो मध्य प्रदेश के नागरिक है वो भले ही आप फॉर्म भरते समय कह सकते हैं लेकिन पूरे भारत में नागरिकता के कानून एक जैसे रहेंगे हमारे संविधान निर्माताओं ने पांच से लेकर ग्यारह तक में संविधान लागू होते समय नागरिकता के निर्धारण संबंधी प्रावधान किए ये प्रावधान उस समय किए गए थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था और देश का विभाजन भी हुआ था पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान को जो भी आना जाना हुआ था उन लोगों की नागरिकता का भी वर्णन है और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई और इसी के तहत संसद ने सी ए का, का कानून लाया है और एनआरसी असम में लाया है तो संसद को यह जो कानून की ताकत मिलती है वह कहीं ना कहीं इन आर्टिकल के आधार पर प्राप्त होती है अब हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार तय किए और इन नागरिकों के अधिकारों को मूल अधिकार नाम दिया मूल अधिकारों का मतलब है कि वो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट वास्तविक रूप में जब भारत की आजादी में हर तबके ने भाग लिया था तो हर तबका उम्मीद कर रहा था कि अब हमारे देश में हमारे लोग जब कानून बनाएंगे तो हमारे पर ध्यान देंगे और हमारे निर्माताओं ने इस बात का प्रॉमिस पूरा किया और हमें मूल अधिकार सौंपे जो बारह से लेकर आर्टिकल पैंतीस तक मिलते हैं भाग तीन भी इसे कहते हैं इसे भाग तीन कहते हैं हमारे संविधान में जो अनुसूचिया है उनके कई हिस्से हैं उन अनुसूचियों में उसके जो टुकड़े किए गए उसे भाग कहते हैं तो भाग तीन में आर्टिकल 12 से 35 तक अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं इसका उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना और राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देना यहां मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा काफी लंबी लड़ाई को लड़ने के बाद हमने उस बदमाश शासन से मुक्ति प्राप्त की थी बदमाश शासन से तो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में डर था कि वो शासन फिर से ना लौट कर आए या मेरे ही यहां के लोग ऐसा शासन ना कभी कर पाए इसलिए मुझे यहां के लोगों को मजबूत करना होगा और यहां के लोगों को मजबूत करने के लिए 12 से 35 तक में उन लोगों को अधिकार दिए गए कि अगर शासन कोई भी कर रहा हो लेकिन आपके पास कुछ ऐसी बातें रहेगी जो कभी आपसे छीनी नहीं जा सकती है और इसीलिए इन्हें मूल अधिकार नाम दिया गया वाद्य योग्य अर्थात उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सर ये वाद्य योग्य क्या है हमारे संविधान में कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है लेकिन इस पर विवाद हो सकता है यदि आप लोगों के अधिकार छीने जाते हैं तो आपको लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं आप सीधा इस भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की रक्षा की गुहार कर सकते हैं क्योंकि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 32 के तहत यह अधिकार हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं कि मूल अधिकारों की जिम्मेदारी आपकी है कि किसी नागरिक के मूल अधिकार छीनने नहीं चाहिए इसमें आर्टिकल 12 क्या बताता है इसमें आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई है सर ये राज्य की परिभाषा क्यों बताई क्योंकि हम ये पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो किसके विरुद्ध हैं वास्तविक रूप में नागरिकों को अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हैं राज्य का मतलब शासन करने वाली सत्ता के विरुद्ध मिले हैं तो राज्य का मतलब क्या रहेगा सर तो राज्य का मतलब रहेगा मेरे लाल लालियो संसद भारत की सरकार राज्य के विधानमंडल राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी यहां तक कि कोई भी सरकारी कर्मचारी भी यदि तुम्हारे अधिकारों का हनन करता है तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकते हो कि ये सरकारी कर्मचारी जिसके पास शक्ति आ गई है ये मेरे अधिकारों को छीन रहा है इसको बताइए कि मेरे अधिकार कितने जरूरी हैं तब सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा इसलिए राज्य का मतलब है सभी प्रकार की सरकारों के अलावा सरकार में काम करने वाला कर्मचारी भी आपके अधिकार छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी सुरक्षा का दायित्व हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बत्तीस के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत दिया है इसमें आर्टिकल 13 एक महत्वपूर्ण बात लिख दी संविधान निर्माताओं ने कहा है कि कोई भी सरकार खास करके संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे नागरिकों के मूल अधिकार कम होते हो और अगर ऐसा कोई विधि बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को शून्य कर देगी और इसके तहत याद रखना विधि के तहत विधि के तहत वर्तमान में तीन में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो शामिल नहीं की गई है संविधान संशोधन विधि नहीं है संविधान संशोधन कानून नहीं है वो पूरी किताब का ही संशोधन है तो तीन के तहत जो संशोधन होगा वो मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है मूल अधिकारों को कम कर सकता है मूल अधिकारों को बढ़ा सकता है मूल अधिकारों में कुछ भी कर सकता है लेकिन तीन के अलावा किसी और तरीके से संसद तक की हिम्मत नहीं है कि वो किसी नागरिक के मूल अधिकारों को कम करने की कोशिश करे क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई विधि नहीं बन सकती ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो मेरे देश के नागरिकों के मूल अधिकार सीमित कर दे फिर हम बात करें तो भारत के जो मूल अधिकार थे वो रियल में सात थे पर अब छह ही बच गए हैं क्योंकि आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था अब उसे आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया क्योंकि संपत्ति के अधिकार के कारण भूमि सुधार के कानून जमींदारी प्रथा जागीरदारी प्रथा राजाओं की शक्तियों को कम करना मुश्किल हो रहा था इसलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया और ये जो एक अधिकार हमें संविधान निर्माणकर्ताओं ने दिए थे बाद में समाप्त कर दिया गया हमें जो अधिकार दिए गए हैं लाल लालियों, उसके लिए एक नंबर याद रखना चौवन चौबीस दो सौ एक या पांच बयालीस बयालीस जीरो एक बड़ा सिंपल नंबर है पांच बयालीस बयालीस जीरो एक सर ये पांच बयालीस बयालीस जीरो एक क्या है ये अधिकारों के नंबर हैं पहले अधिकार में पांच अधिकार हैं इसलिए पांच दूसरे अधिकार में चार हैं इसलिए चार तीसरे अधिकार में दो है इसलिए दो तो पांच बयालीस बयालीस जीरो एक आपको सारे अधिकार याद हो जाएंगे और इसके लिए ट्रिक्स क्या याद रखनी है समता ने स्वतंत्र को, को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया समता ने स्वतंत्र को धर्म के समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया जो पीले रंग में मैंने लिखा है हमारी टीम ने पेश किया है लाल लालियो वो पीले रंग में आपको अधिकारों का नाम है जैसे पहले अधिकार का नाम समता है जो समानता की बात करेगा ये समता के जो अधिकार हैं, वह आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में मिलेंगे ये टोटल पांच अधिकार हैं जो भारत में एक समानता की बात करेंगे जाति धर्म भेद या किसी भी प्रकार से किसी भी भेद को स्वीकार नहीं करते हैं फिर दूसरे स्वतंत्र हैं जिसमें नागरिक के स्वतंत्रता की बात है नागरिक के वो अधिकार हैं जो एक मनुष्य होने के नाते उसे मिलने चाहिए और इसमें दो इसमें चार अधिकार हैं स्वतंत्रता के अधिकारों में उन्नीस से बाईस जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बीसवा और इक्कीसवा इक्कीसवा अधिकार इतना बड़ा अधिकार है कि जिसके अंतर्गत अब लगभग सारे अधिकार अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं क्योंकि मानव की स्वतंत्रता का तात्पर्य एक वृहद दृष्टिकोण में कई मायने में समानता से भी लिया जा सकता है शोषण के विरुद्ध भी लिया जा सकता है धर्म के मानने से लिया जा सकता है कई दायरे में स्वतंत्रता को समझाया जा सकता है और इसलिए इसमें आर्टिकल लगातार अपना दायरा बड़ा कर रहा है तीसरा शोषण के खिलाफ हमारे पास दो अधिकार हैं कि किसी के साथ बेगारी नहीं हो सकती है मनुष्य की खरीद फरोख नहीं हो सकती है धर्म क्योंकि भारत में कई विविधता के धर्म हैं उन्हें चार अधिकार दिए गए हैं धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में शिक्षा की बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यक जो भी संस्कृतियां हैं अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस देश में एक स्वतंत्रता का अनुभव हो अल्पसंख्यक समुदाय डरे नहीं अल्पसंख्यक समुदाय को भी एक निश्चित होकर जीवन यापन करने का अधिकार मिले ऐसा हमारे देश में उन्तीस तीस में कहा गया है और उपचारों का मतलब है कि जब कहीं समस्या होगी तो हम संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए आर्टिकल बत्तीस के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उसमें से एक जो जीरो कर दिया गया वो इकतीस नंबर का आर्टिकल हैं जो अब केवल एक कानूनी अधिकार बन चुका है अब जो केवल और केवल एक कानूनी अधिकार बन चुका है यहां पर क्या याद रखना है सर यहां याद रखिएगा कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारत को मिले हैं भारतीयों को मिले हैं और कुछ ऐसे अधिकार है जो सबको मिले हैं केवल भारत के नागरिकों को मिलने वाले अधिकार इन अधिकारों पर किसी भी अन्य देश के व्यक्ति का हक नहीं होगा केवल एक भारतीय का हक होगा पंद्रह सोलह उन्नीस उन्तीस तीस मैं इसे ऐसे याद रखता हूं पंद्रह सोलह डबल कर दो इसका तो लगभग तीस के पास चले जाओगे तो उन्तीस तीस और बीच में उन्नीसवा पंद्रह सोलह उन्नीस उनतीस तीस लाल लालियो ये पांच ऐसे अधिकार हैं जो किसी विदेशी को नहीं मिलेंगे ये अधिकार एक्सक्लूसिवली अनन्य रूप से केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है इन पूरे अधिकारों में कई सारे अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं जैसे आर्टिकल इक्कीस ये विदेशी को भी मिल जाएगा यदि वो भारत में रहता हो आर्टिकल 22 विदेशी को भी मिल जाएगा यदि वो भारत में रहता हो हम बात करें कि ऐसे आर्टिकल ऐसे अधिकार जो केवल शुद्ध रूप से भारतीय नागरिक के पास हैं वो विदेशी कभी मांग नहीं कर सकते हैं 15 16 19 29 30 15 16 19 29 30 रटा होना चाहिए आपके भारतीयों को दिए गए हमें दिए गए एक्सक्लूसिव अधिकार केवल हमें दिए गए एक्सक्लूसिव अधिकार हैं मूल अधिकारों की क्या खासियत है आइए जरा जानते हैं कि इन मूल अधिकारों में क्या खूबसूरती है सर ये मूल अधिकारों में क्या बात है ऐसी देखो भाई सबसे पहले तो राज्यों को तार्किक प्रतिबंध मतलब इन मूल अधिकारों में राज्य किन्हीं परिस्थितियों में प्रतिबंध लगा सकता है जैसे इस कोरोना महामारी में महामारी अधिनियम के तहत डॉक्टरों को जबरदस्ती काम करना ही था वो छुट्टी या नौकरी नहीं छोड़ सकते थे कर्मचारियों को काम करना ही था यहां आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो मेरी मर्जी है नहीं तार्किक रूप से जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे आपके अधिकारों को रोका जा सकता है पर तार्किकताओं के आधार पर मनमर्जी और विवेक अधिकार पर नहीं कि मूड हो गया तो बंद कर दिया है दूसरा नकारात्मक और सकारात्मक कुछ अधिकारों में कहा गया है कि राज्य यह नहीं करेगा और कुछ राज्य कहा गया है कि राज्य ऐसा करेगा जिन अधिकारों में कहा गया है कि नहीं करेगा उसे कहते हैं कि यह नकारात्मक अधिकार है और जिन अधिकारों में कहा गया है कि राज्य को ऐसा करना पड़ेगा उसे सकारात्मक अधिकार कहेंगे संसद के द्वारा इनमें संशोधन हो सकता है 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा एक शब्द डाल दिया कि इसे नहीं बदलना पर राजनीतिक लोकतंत्र याद रखना यह अधिकार क्यों जरूरी है ये अधिकार हमारे राजनीतिक शक्ति के सर ये राजनीतिक शक्ति क्या होती है राजनीतिक शक्ति का मतलब है सत्ता जो भी जो प्राप्त कर रहा है और जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है उनके बीच का एक संतुलन बना रहना चाहिए राजनीति का शब्द आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो कि आपको बोलने के लिए आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए आपको अपने सारे कर्तव्यों को कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं जो आपके समाज के प्रति है अपने परिवार के प्रति है आपके प्रति है या फिर भारत के प्रति है वो सभी कर्तव्य राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आएंगे और वो बगैर मूल अधिकारों के संभव नहीं है आर्टिकल 32 के तहत हमारे मूल अधिकार अगर कोई छीनने चलाए तो फिर रिट दायर की जा सकती है और रिट जब जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट तो वो पांच प्रकार की होती है सर ये रिट क्या है एक विशेष आदेश है लाल लालियो। इसका मैंने टेस्ट रखा है लाल लाल सोमवार के दिन सौ तो सवालों का टेस्ट दोपहर बारह बजे देखेंगे कितने लोग बेहतर तरीके से चीजों को समझे पर अभी आइए बत्तीस पर गौर करते हैं बत्तीस पर सर ये पर बंदी प्रत्यक्ष क्याकरण क्या है अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को पास कोई मैसेज करे कोई पहुंचे कोई बताएं कोई अपील करने पहुंचे और कहे कि जनाब इसको तो अभी तक दिखाई नहीं रही सरकार यहां के नागरिक का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर रही है उसको गिरफ्तार क्यों किया गया उसको दिखा नहीं रही है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाए और ये राज्य का कर्तव्य है कि उसको कहीं से भी खड़ा करके दिखाए परमादेश जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि कोई अधिकारी कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो फिर वो अपना एक आदेश जारी करती है जिसे कहते परम आदेश ये पहला काम करना है बाद में सारे काम करना जैसे हमारे परिवार में कई बार कहते नहीं है ये पहले करना बाद में सब कुछ तो मतलब समझ जाना वो परम आदेश कह रहे हैं प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट कई बार निचली अदालतों को रोकती है कि ये तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है तुम ऐसे निर्णय मत लो तुम इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो तो उसे रोक रही है अपने निचले अदालतों को रोकने के लिए प्रतिषेध उत्प्रेषण निचली अदालत से कहेगी उस काम को रोक भी दो और उस काम को मेरे पास भेजो यह तुम्हारी ताकत नहीं है उसे मेरे पास भेजो एक में वो मना कर देगी कि तुम ये काम मत करो और दूसरे में कहेगी कि वो काम तुम मत करो वो मुझे दे दो जैसे जैसे ध्यान से सुनना जैसे आपने बचपन अगर सामान्य गुजरा होगा तो मान लीजिए कोई काम कर रहे हो कोई भी चीज कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए तो पिताजी कहेंगे बंद करो ये काम क्या लगा रखा है चुप बैठो तो समझ जाओ कि पिताजी तुम्हें कह रहे प्रतिषेध और पिताजी कि, कि जाने दो बेटा ये तुमसे नहीं होगा मैं करता हूं तो समझ जाना कि पिताजी कह रहे उत्प्रेषण उत्प्रेषण तो जब काम को मना किया जाए तो प्रतिषेध और जब वो काम को खुद करने आ जाए तो उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा का मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकारी तंत्र से पूछ सकती है कि, कि किस आधार पर किसी व्यक्ति का किसी पद पर चयन हो गया है कहीं वह किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है तो उसे कहते हैं अधिकार प्रच्छा। तीन ध्यान से सुन लीजिएगा जब केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को जब केवल जब केवल केवल युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण होगा युद्ध और बाहरी आक्रमण होगा तो उन्नीस स्वतः निलंबित होगा अपने आप खत्म हो जाएगा लेकिन इसके किसी अन्य परिस्थिति में उन्नीस निलंबित नहीं होगा उसे राष्ट्रपति आदेश देकर निलंबित करवाएंगे बाकी स्वतः निलंबित होगा तो निलंबित होगा केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण में आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति तीन कहता है 359 कहता है कि 20 और 21 को तो राष्ट्रपति पूरे देश में युद्ध चल रहे हो पूरे देश में सशस्त्र संघर्ष चल रहे हो तब भी नहीं समाप्त कर सकता है हाँ उसके अलावा राष्ट्रपति आदेश देकर किसी को भी रोक सकता है यहां थोड़ा सा ध्यान मैं आकर्षित करूंगा कि सर ये तीन क्या है ये नियम बनाया गया कि देखो भाई उन्नीस अपने आप खत्म नहीं होगा उन्नीस को खत्म करने की अपने आप ताकत केवल तब रहेगी जब बाहरी आक्रमण हो अन्यथा उन्नीस को राष्ट्रपति प्रवर्तन करके निलंबित कर सकता है आदेश देकर निलंबित कर सकता है बाकी किसी में भी ऐसी बात नहीं की गई है क्योंकि 19 भी एक महत्वपूर्ण अधिकारों में है तो 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा केवल इस सिचुएशन में बाकी किसी भी सिचुएशन में राष्ट्रपति उसका निलंबन करेगा 20 और 21 को कभी भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है लाल लालियों तो यह है मूल अधिकार वाद योग्य है इसकी सुरक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है और यह पांच रिट के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है जिसे उपचार का अधिकार भी कहते हैं और तीन और तीन भी याद रखना याद रखिएगा कि पंद्रह सोलह उन्नीस केवल भारतीयों को दिए गए हैं याद रखना कि सात अधिकार दिए गए थे जिसमें से एक खत्म हो गया है अब छह अधिकार बचे हैं याद रखना पांच बयालीस बयालीस जीरो एक आपके अधिकारों में सारी बातें इसी के अंदर छिपी हुई है अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व सर ये नीति निर्देशक तत्व क्या है देखो भाई नीति निर्देशक तत्व वास्तविक रूप में जो शासन में बैठे हैं जो सत्ता चलाएंगे जो भी नीतियां बनाएंगे उनको डायरेक्ट करने के कुछ नियम है हमारे संविधान सभाओं ने उनकी भी मदद की है कि तुम जब शासन चलाओगे तो शासन क्या करना चाहते हो तुम गुलाम नहीं बनाना चाहते हो तुम लोगों का शोषण नहीं करना चाहते हो तुम्हें लोगों के कल्याण के काम करने तो वो कल्याण कैसे होगा इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से संविधान निर्माताओं ने दी है और जिस जगह दी है उसे नीति निर्देशक तत्वों के नाम से हम जानते हैं लाल लालियों नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से इक्यावन के तहत आते हैं वाद योग्य नहीं है अगर ये लागू नहीं कर पाती है कोई शासन या कोई सत्ता तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं इसके माध्यम से राज्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण सामाजिक और आर्थिक न्याय लागू करने की कोशिश करता है इस नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकारों को भी पता चलता है कि उनका दायित्व क्या है इसलिए सरकारें जब भी कोई भी कानून जब भी कोई नीति जारी करती है तो इनको अपने दिमाग में रखती है क्या सर किसी जगह पर अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में झगड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा मूल अधिकार जीतेगा फाइनली तय हो चुका है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं इन्हें अलग अलग ना देखा जाए लेकिन मूल अधिकारों को कभी भी डोमिनेंट माना जाएगा क्योंकि उनकी गारंटी की बात सुप्रीम कोर्ट को दी गई है इनके गारंटी की बात नहीं दी गई है और इसलिए मूल अधिकार फंडामेंटल राइट हमेशा नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर डोमिनेंट रहेंगे मतलब कोई भी सरकार अपने नीतियों के निर्धारण में इस बात को नहीं कभी स्वीकार करवा सकती है कि, कि किसी के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सके नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग चार में आर्टिकल छत्तीस से इक्यावन में मिलेंगे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तो सर राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र मूल अधिकारों से आता है वाद योग्य नहीं है झगड़ा नहीं कर सकते इस पर ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है ये सरकारों का नैतिक कर्तव्य है कि उन्हें फॉलो करना चाहिए नैतिक कर्तव्य है सरकारों का कि उसे फॉलो किया जाना चाहिए आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा बताई है 37 में बताया है कि सरकार कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है लेकिन नैतिक रूप से जरूरी है ऐसा 37 में बताया है थर्टी एट में बताया है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का स्थापना का प्रयास करेगी सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह सामाजिक और आर्थिक कल्याण करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी जहां सबको बराबरी के अधिकार मिलेंगे थर्टी नाइन में कहा है कि महिला पुरुषों के जीवन यापन में समान अवसर समान कार्य की बात आएगी समान वेतन धन उत्पादन के साधनों पर समरूपित पर गौर किया जाएगा सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है देखो भाई थर्टी एट और थर्टी नाइन के लिए रखे गए हैं कि राज्य के शासन चलाने वालों का कर्तव्य है कि वह राज्य में देश में समाजवाद की स्थापना करे समाजवाद का मतलब है सबको समान रूप से संसाधन मिले, सबको समान रूप से, सब से जीवन जीने का मौका मिले समान रूप से सुविधाएं मिले समानता का भाव उनके अंदर फील होना चाहिए चार थर्टी नाइन ए में कहा गया है सभी को समान और निशुल्क का कानूनी सहायता मिले चालीस में ग्राम पंचायत की बात है इकतालीस में राज्य काम शिक्षा के साथ ही बुढ़ापा बीमारी जैसे अभाव की दशा में मदद करने के लिए खड़ी होगी राज्य का दायित्व है कि जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार की कमियां हैं राज्य उनकी कमियों के समय उनके पास उपस्थित होगा बयालीस कहता है कि काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता रहेगी फोर्टी थ्री में न्यूनतम मजदूरी और श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है फोर्टी थ्री ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाया गया है राज्य समान नागरिक संहिता को अपनाने का प्रयास करेगा इसी साल इसके आने की उम्मीद है भाई बहुत माहौल खराब होगा इसके समय भी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त में शिक्षा देने का प्रयास करेगा 46 समाज के कमजोर वर्ग एससी एसटी के हितों की सुरक्षा करेगा 47 कहता है कि पोषण के लेवल को बेहतर करेगा 48 में कृषि और पशुपालन की दिशा के दायित्व हैं 48 में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की बात है 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण हमारे देश की सरकार का दायित्व है 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में कभी भी टकराव नहीं होना चाहिए वो अलग अलग है कोई किसी की शक्ति को कम नहीं करेगा और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात है सर क्या सब याद करने हैं सभी ना याद हो तो याद क्या करना है 40 पंचायत 43 श्रमिकों की बात 44 समान नागरिक संहिता 47 सेवन पोषणीयता की बात फोर्टी एट ए पर्यावरण की बात फिफ्टी फिफ्टी कार्यपालिका न्यायपालिका की बात और फिफ्टी वन अंतरराष्ट्रीय शांति लाल लालियो चालीस तिरतालीस ए तिरतालीस ए चौवालीस सैतालीस पचास और इक्यावन ये रटे होने चाहिए क्योंकि इन पर हमारा सीधा सवाल बनता है इस पर कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है सीधा सवाल पूछ लिया जाता है बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39 में 39 ए जोड़ा गया 43 ए जोड़ा गया और 48 ए जोड़ा गया 48 में पर्यावरण की बात है 43 में समान जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के प्रबंधन की बात है कि श्रमिक भी उद्योगों में मैनेजमेंट में भागीदार रहेंगे ताकि मैनेजमेंट उनके अनुसार निर्णय ले थर्टी नाइन ए की अगर हम बात करें तो कानूनी निःशुल्क सहायता की बात की गई है ये नाइनटीन सेवनटी सिक्स में बयालीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से इन तीन को जोड़ा गया था थर्टी नाइन ए फोर्टी थ्री ए और फोर्टी एट ए चौवालीसवे संविधान संशोधन में थर्टी एट वन राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा सर ये लोक कल्याण क्या होता है जहां पर भी भारतीय नागरिक के पास संसाधन नहीं है जिसके पास भोजन नहीं है जिसके पास कपड़े नहीं है जिसके पास सुविधाएं नहीं है शासन का दायित्व है कि वो देश के नागरिकों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं क्योंकि उसका निर्माण हमने शासन करने के लिए नहीं लोगों का कल्याण करने के लिए किया हुआ है 97 संविधान संशोधन के माध्यम से 43 बी भी जोड़ा गया 2011 में जरा कमेंट्स करना कि 43 बी में क्या डाला गया है फिर एक मामला है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के तहत कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से और राजनीतिक लोकतंत्र अधिकारों के माध्यम से स्थापित किया जाता है लेकिन यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि फंडामेंटल राइट हमेशा ही डीपीएसपी पर डोमिनेट रहेंगे आप डीपीएसपी के आधार पर इसे सीमित नहीं कर सकते हैं अब आते हैं 51 ए में एक विशेष प्रकार से नागरिकों के अंदर देश के प्रति सम्मान का भाव और देश के अलग अलग चीजों के प्रति एक राष्ट्रभक्ति का भाव उत्पन्न करने के लिए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया ये सोवियत संघ से लिया गया क्योंकि रशिया के लोगों को दबावपूर्ण तरीके से इसको मानने की बात हुई उसी के तहत भारत में भी यहां पर आजादी के साथ कर्तव्य की भी बात आई क्योंकि अधिकार तब होते जब कर्तव्य होते हैं जब आप बचपन में छोटे थे बचपन में सब कोई छोटे होते मैं भी समझ रहा हूं पर अब मास्टर फ्लो में है तो जब हम छोटे थे तब हमारे पास अधिकार बहुत नहीं के बराबर थे क्योंकि उस समय हम उतनी कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाते थे पर क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं आप में से कुछ लोग पैसा कमाने लग गए हैं घर की जिम्मेदारी लेने लग गए हैं तो जैसे ही आप कर्तव्य निभाने लग गए तो आपको अधिकार मिलने लग गए हैं तो कर्तव्य भी जरूरी है अधिकारों के साथ सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए मूल अधिकार में नहीं थे भाग चार ए जोड़ा गया आर्टिकल 51 ए में और ये भी गैर बाध्यकारी हैं किसी नागरिक के न मानने पर जनरली उसे लागू नहीं करवाया जा सकता है वर्मा समिति नाइनटीन में सिफारिश की थी कि इसे बाध्यकारी बनाया जाए वर्मा समिति ने कहा था कि इसे बाध्यकारी बनवाया जाए तभी जाकर लोग अधिकारों के लिए भी सजग हो पाएंगे संविधान का पालन करना पहले दस थे अब ग्यारह हो गए संविधान का पालन करना राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करना भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना देश की रक्षा करना सभी के लिए भाईचारे की भावना पैदा करना सामाजिक संस्कृति का सम्मान करना अलग अलग संस्कृति का सम्मान करना प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना और सॉरी संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध कराना ये देश के नागरिकों के कर्तव्य है यदि आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर लोग किसी प्रकार की परंपरा के आधार पर किसी भी प्रकार की मान्यता के आधार पर गलत काम कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैला रहे और आप वहां खड़े हैं तो आपका मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाइए और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करिए कहीं पर आंदोलन हो रहे तो किसी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने मत दीजिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी आपका ही कर्तव्य है एक तरीके से ग्यारह कर्तव्यों की यह सूची भारत के प्रत्येक नागरिक को फॉलो करनी चाहिए मैं आपको बता दू कि इन इंटरव्यू बोर्ड में पीसीएस वाले जो इंटरव्यू बोर्ड होते हैं वो आपको कर्तव्य डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि भले ही नागरिकों को ना पता हो लेकिन जो इस तैयारी में आ रहा है उसे तो पता होने चाहिए कि कर्तव्य कौन कौन से हैं फिर आते हैं संविधान संशोधन सबसे लड़ाई शुरू होती है संविधान संशोधन में आर्टिकल तेरह से क्योंकि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल तेरह में कुछ ऐसी बात लिख दी कहा कि कोई भी कानून या विधि के तहत मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है फिर सवाल हुआ कि तीन के तहत जब संविधान में संशोधन किया जाएगा तो क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो पाएगा फाइनल निर्णय केशवानंद भारती मामले में आया कि किया जा सकता है केशवानंद भारती मामले में निर्णय आया कि संशोधन हो सकता है लेकिन वो संशोधन मूल ढांचे के तहत न कोई मूल ढांचे को नुकसान ना पहुंचाए सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा शब्द दे दिया और कहा कि तुम्हें अधिकार है कुछ भी संशोधित करने के लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए हमने पूछा मूल ढांचा क्या है तो बोले अभी मैं भविष्य में बताऊंगा कि मूल ढांचा क्या है आज मुझे अभी क्लियर नहीं है तो आइए देखते कि मूल ढांचा पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार उन्नीस पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तीन के तहत संशोधन 13 के तहत विधि नहीं है फिर दूसरा था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 उसमें भी यही बात आई लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 11 जजों की बैठक कहती है कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है यहां से सरकार और कोर्ट के बीच में झगड़ा शुरू होता है फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल ढांचा शब्द दे दिया और स्वीकार किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए मूल ढांचा मतलब अभी भविष्य में बताएंगे 1980 के मिनरवा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक पुनरावलोकन एक मूल ढांचा है वामन राव बनाम भारत संघ उन्नीस में नवी अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ही आएगी क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन मूल ढांचा है तो मूल ढांचे में क्या क्या है सर मूल ढांचा मतलब संविधान की सर्वोच्चता संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो संविधान को चुनौती दे अगर ऐसा कोई कानून संसद बना रही जो संविधान को चुनौती दे तो वह मूल ढांचे का उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य कह देगी सर क्या मूल संविधान में ऐसा संविधान निर्माताओं ने लिखकर दिया है संविधान निर्माताओं ने मूल ढांचा जैसा कोई शब्द ही नहीं दिया है ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया है केशवानंद भारती मामले में पंथ निरपेक्षता मतलब धर्म का कभी भी समर्थन नहीं करेगा संसदीय प्रणाली आप अध्याशात्मक प्रणाली भी नहीं बना सकते जो सिस्टम है वही चलाना पड़ेगा विधि का शासन आर्टिकल 21 और न्यायिक समीक्षा ये सब कुछ मूल ढांचे के हिस्से के रूप में हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है अब लाल लालीओ बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की जो इस चैप्टर में बताएगा कि संसदीय व्यवस्था होती क्या है आइए आगे बढ़ते हैं कई सारे लाल लाली मनोबल कमजोर मत होने दीजिए अभी तो जीवन का प्रारंभ हुआ है हो सकता है ढाई घंटे लगे तीन घंटे लगे लेकिन यकीन मानिए कि इससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से रिवीजन हो ही नहीं सकता है और एक बार आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा सच में आपको कंटेन कैसा लगा मतलब आप क्या कहेंगे कि अगर दस नंबरों का आपके पास आ, मतलब अधिकार हो तो दस में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से संक्षिप्तीकरण किया गया है जिस तरीके से एक फ्लो बनाया गया है शायद ही आपको पूरा कंटेन कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी यदि आपने एक बार भी किताब को ढंग से पढ़ लिया हो तो केवल और केवल अपने अधिकारों और अपनी जो कर्तव्यों की बातचीत है वो यहाँ पर भी लागू करिए यदि सिलेक्शन चाहते हो तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और ये चीज भी आपके पास बेहतर ढंग से करना बहुत ही आवश्यक है धन्यवाद धन्यवाद कुछ लाल लाली थाउजेंड तक नंबर दे रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का यही जो मनोबल है आप लोगों का यही जो समर्थन है वो हमारी टीम और हमें इतनी एनर्जी देता है कि ऐसा लगता है कि सच में आप लोगों के लिए जब भी यूट्यूब पर आए तो कुछ अद्भुत होना चाहिए कुछ बेहतर होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई और नहीं कर सकता है और मैं आपको यकीन के साथ कह देता हूं सच में इस तरीके का पॉलिटी या इस तरीके का रिवीजन शायद ही आपको पूरे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में शायद ही कहीं मिल सके शायद ही कहीं मिल सके तो आप लोग अभी हिम्मत बनाए रखना क्योंकि अभी तो शुरुआत है मजा तो आएगा जब समापन की ओर पहुंचेंगे और अपने आप से कहेंगे कि आज हमने पूरी पॉलिटी की किताब पढ़ ली आज हमने ढाई तीन घंटे में लक्ष्मीकांत साहब को पूरा रिवाइज कर लिया लक्ष्मीकांत साहब कहेंगे कि हाँ ये भी किसी लाल लाली ने करके दिखा दिया कि ढाई तीन घंटे में पूरी किताब का रिविजन तो बने रहिएगा अभी बहुत कुछ अद्भुत है अभी बहुत कुछ बेहतरीन है आप लोगों के लिए अभी आपको स्क्रीन छोड़नी नहीं है कितना भी थकावट लग रही हो लग रहा हो कि बाद में देख लेंगे बाद में कुछ नहीं होगा अभी होगा इसी समय होगा अड़ोस पड़ोस में माता पिता कहें कि बेटा खाना खा लो आज रुकना है आज खाने की जगह पर पॉलिटी का खाना होगा और पीने की जगह पर मास्टर की आवाजों के द्वारा समझने की सारी बातें होगी इसलिए आज तो पीछे हटना नहीं है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा शेयर करिए और थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाइए एटलीस्ट दो ढाई हजार तीन हजार अगर लाइव आ जाए तो मास्टर का मनोबल तो बढ़ेगा ही मैं आपको बता दू कि मैं आपको आने वाले दिनों में इसी रूप में कई सारे विषय भी कवर करा दूंगा तो अभी हिलना नहीं है स्क्रीन से हटना नहीं है आज की बातों के समापन से पहले आपको पीछे जाना नहीं है संसदीय व्यवस्था पर बात करते सर ये संसदीय व्यवस्था क्या होती है इस दुनिया में शासन चलाने की मुख्य रूप से दो व्यवस्था है मेरे लाल लालियो एक अध्यासात्मक व्यवस्था होती है एक अध्याशात्मक व्यवस्था होती, होती है और एक संसदीय व्यवस्था होती है सर थोड़ा सा व्यवहारिक बताइए जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लोग अपने समाज में लोगों को जब देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी के परिवार में एक व्यक्ति है जो सब तय करता है कि परिवार में क्या निर्णय लेंगे लड़की आईएस बनने जाएगी कि नहीं जाएगी अन का सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा एक व्यक्ति सब कुछ तय करे तो आप समझ जाना कि उस परिवार में अध्याशात्मक व्यवस्था है पर अगर आपको लगे कि नहीं परिवार में तो पता चलता है कि कोई एक का जरूर चलता है लेकिन वो दिखता नहीं है पहली नजर में ऐसा लगता है कि परिवार में इनकी चलती है पर जब परिवार में रहने जाओ तब पता चलता है कि चलती तो किसी और की है तो हम समझ जाना कि अध्याशात्मक नहीं संसदीय व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था है जैसे एक छोटी सी बात मैंने आपको इसके पहली बताई थी कि लोकतंत्र पे से भरोसा मेरा तब उठ गया मेरा मतलब एक कहानी मैंने बताई थी कि लोकतंत्र पे से राजू का भरोसा उस दिन उठ गया जिस दिन उसके साथ ये घटना हुई ध्यान से सुनना जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि एक परिवार है उस परिवार में छुट्टियां थी बच्चों की सब लोग खाना खाने बैठे थे तो पिताजी ने पूछ लिया कि बताओ बेटा इस बार छुट्टियों में कहा जाना है नाना के घर या दादा के घर जब नाना और दादा के घर की बात हुई तो सब लोगों ने एक सुर में कहा सर दादा मतलब पिताजी दादा के घर जाएंगे इस बार दादा दादी के घर छुट्टियां मनाने जाएंगे पर माता जी ने कहा कि नहीं नाना नानी के घर जाएंगे पर क्योंकि परिवार में जब खाना खाने बैठे थे तो बहुमत के आधार पर निर्णय होने वाला था बहुमत ने तय कर लिया कि दादा दादी के घर जाएंगे लेकिन अगली सुबह माता जी ने कहा कि चलो भाई सभी लोग अपने अपने कपड़े पैक करो हम नाना नानी जी के यहां जा रहे हैं सारे बच्चे पिताजी की तरफ देख रहे हैं कि रात में तो बात हुई थी कि दादा दादी के यहां जाना है अब नाना नानी के यहां कैसे क्योंकि नाम मात्र की सरकार कुछ भी कर ले होता वही है जो वास्तविक सरकार करती है कहानी का कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर देखने में तो लगे देखने में तो लगे कि इनकी चलती है पर बाद में पता चले कि वास्तविक रूप से तो कोई और ही है जो निर्णय ले रहा है जहां पर राष्ट्रपति हो और प्रधानमंत्री हो जनरली इस प्रकार की व्यवस्था में केवल राष्ट्रपति ही होता है कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है तो संसदीय व्यवस्था सर क्या केवल इतने से आधार पर संसदीय व्यवस्था कहते है? नहीं जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो सांसद जो कानून बनाएंगे जिसे हम संसद कहते हैं वो कांग्रेस अलग जगह पर होगी और जहां राष्ट्रपति काम करेंगे उनके मंत्री या उनके लोग काम करेंगे वो एक अलग जगह होगी पर यहां पर क्या होगा कि जो लोग सांसद हैं उसी में से जिसको बहुमत मिल जाएगा वह व्यक्ति ही इस देश के कानून व्यवस्था को चलाने का काम करेगा मतलब वो कार्यपालिका रहेगा वो कार्यपालिका रहेगा इस प्रकार की व्यवस्था में मेरे लाल लालियों कार्यपालिका जो कार्यपालिका ये क्या होता है सर सरकार चलाने वाला, देश चलाने वाले जो लोग होते वो अलग होते हैं और कानून बनाने वाली जो संस्था होती, होती है यहां पर संसद ही कानून बनाने का काम करती है और उसी में जो लोकसभा होता है जो निचला सदन होता है उसमें लोग चुनकर लोगों को भेजते हैं जिस पार्टी के लोग सबसे ज्यादा चुनकर भेज दिए गए जनरली वही कार्यपालिका का निर्धारण करेगा वही देश की बागडोर संभालेगा इसे कहते हैं संसदीय व्यवस्था आइए जरा बता दें कि संसदीय व्यवस्था में क्या होगा संसदीय व्यवस्था में एक तरीके से दोहरी कार्यपालिका होगी एक नाम मात्र की और एक वास्तविक होगी एक नाम मात्र की होगी मतलब राष्ट्रपति और एक वास्तविक होगी निर्णय तो यही लेंगे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद और इन्हें केवल कहेंगे कि आप ऐसा करिए बहुमत प्राप्त दल के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन होगा सर ये बहुमत प्राप्त मतलब लोकसभा में साढ़े पांच सीटें हैं मोटे तौर पर पांच लेकिन पांच की बात संविधान में लिखी है तो 550 में जिन लोगों के हम कहेंगे कि दो सौ लोग हो जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी तो वह संसद में कानून बनाएगा भी और वही देश चलाएगा भी मतलब यहां कानून बनाने वाले और देश चलाने वाले एक ही लोग होते हैं अध्यासात्मक में कानून कोई और बनाता है और देश कोई और चलाता है मंत्री परिषद विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।, मतलब मतलब है कि जब तक उनके लोगों की संख्या 276 या उससे ज्यादा बनी हुई है तब तक वो सरकार में रहेंगे अगर इनके लोग विपक्ष में बैठने चले जाएं तो सरकार गिर जाएगी विधायिका और कार्यपालिका की दोहरी सदस्यता का मतलब क्या हुआ संसद का जो नागरिक संसद का जो सदस्य है वही सरकार का भी सदस्य बनता है मतलब जो सरकार बनाने वाले लोग होते हैं वो संसद के ही लोगों से मिलकर बनती हैं इसलिए वह दोहरी सदस्यता ग्रहण करते हैं एक तो संसद की भी सदस्यता होती है और दूसरी सदस्यता उनकी वहां के हम कहेंगे कि संसद की और सरकार की भी होती है जैसे मोदी जी पर ले लीजिए तो मोदी जी अपने किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनकर आए हैं तो संसद के सदस्य तो बनी गए लेकिन वो सरकार भी चला रहे हैं तो वो सरकार और संसद के सदस्य दोनों की भूमिका में हैं मोदी जी के जितना भी मंत्री परिषद है वो भी सरकार और संसद दोनों की सदस्यता वाले लोग हैं जिनके पास संसद की सदस्यता नहीं है वो सरकार में ज्यादा से ज्यादा छह छह महीने तक रह सकते हैं उसके बाद उन्हें किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा विशेषताओं पर आते हैं ध्यान से सुनना संसदीय व्यवस्था क्यों चुनी हमारे लोगों ने ध्यान से सुनिए एक तो लगभग सौ साल होने भी आ रहे थे अठारह से संसदीय व्यवस्था जैसा कानून हमारे देश में चल ही रहा था तो पुराना अनुभव था हमारे नागरिक हमारे संविधान निर्माताओं को यह स्पष्ट था कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो भले ही बदलती रहे लेकिन एक जिम्मेदारी पूर्वक काम करे हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो नागरिकों के लिए कल्याण का काम करे तो उसकी जवाबदेहिता होनी चाहिए संसदीय व्यवस्था में जवाबदेही होती है क्योंकि संसद में सवालों के जवाब सबके सामने देने पड़ते हैं अमेरिका में ऐसे सवालों के जवाब देने की कोई भी नीतिया नहीं है तो जवाबदेहिता होनी चाहिए संसदीय व्यवस्था का अनुभव हमारे पास था तो अगर हम बात करें तो विधायिका और कार्यपालिका एक ही होती है तो कबिन में झगड़े नहीं होते हैं अमेरिका में इनमें झगड़े बहुत होते हैं कानून कुछ और बनाया जाता है राष्ट्रपति उसको मानता नहीं संसद जो वहां की जो कांग्रेस है अमेरिका की वो कानून बनाती है कांग्रेस मतलब वहां के संसद भवन को कहते हैं और इधर राष्ट्रपति उसको मानता ही नहीं तो झगड़े होते हैं हमारे यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ कानून वही बन पाएंगे जो कार्यपालिका बनाना चाहेगी क्योंकि उसी का बहुमत है।, सरकार होती है।, सर ये सरकार क्या है अगर हमारे यहाँ पर कोई एक सरकार बहुमत खो देती है तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है अभी किसी दूसरे को मौका दीजिए हो सकता है वो बहुमत साबित कर दे तो यहां ऑप्शन रहते हैं और राजनीतिक एक रूपता का मतलब होता है कि जनरली एक ही दल के लोग सरकार में होते हैं इसलिए उनके सारे विचार उन सभी लोगों की आपस में बातचीत एक जैसी होती है तो जनरली विवादों की संभावनाएं बहुत कम होती है संसदीय व्यवस्था में दोनों एक जैसे होते हैं उत्तरदायी सरकार होती है विकल्प होता है और राजनीतिक एक रूपता होती है लेकिन दोष भी है अस्थिर सरकार है जब तक बहुमत है जैसे कि शोले मूवी जैसे कि शोले मूवी में है कि जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक सासे चलेगी तो जब तक मंत्रिपरिषद का बहुमत रहेगा तब तक सरकार रहेगी इसलिए डर बना रहता है सरकारों के अंदर नीतियों की अनिश्चितता क्यों उसका कारण यह है क्योंकि यहां पर कई बार सरकारें काफी अल्पकाल के लिए बनती हैं तो नीतियां कई बार बदल जाती है मंत्रिमंडल कई बार निरंकुश हो सकता है कैसे क्योंकि अगर बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार है वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कई बार हो सकता है कि कोई जवाबदेही नहीं है शक्ति पृथककरण के विरुद्ध है सर ये शक्ति पृथककरण क्या है कानून बनाने का काम किसी और का है और कार्य करने का काम किसी और का है ऐसा शक्ति पृथककरण का एक सिद्धांत कहता है जबकि इस सिद्धांत के तहत हमारे देश में कानून भी वही बना रहे जो कानून के तहत चलने वाले हैं कानून भी वही बना रहे जो सरकार चला रहे हैं तो उनका कहना है कि भी उस सिद्धांत जो कि बड़ा फेमस है उसके खिलाफ है हमने कहा चलता है फेमस है तो भी क्या हुआ लेकिन हमारे लिए ठीक है तो शक्ति पृथक्करण का ये विरोध है भारत में संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या भारत की विविधता भारत के समुदायों का प्रतिनिधित्व इसके माध्यम से संभव था उत्तरदायी सरकार प्राथमिकता थी संविधान निर्माताओं की क्योंकि देश पिछड़ा हुआ था बहुत सारी समस्याएं थी उन सब का समाधान इसी के तहत मिल सकता था संसदीय व्यवस्था के प्रति हमारे बहुत लंबे अनुभव थे और लंबे समय से ब्रिटेन के शासन के कारण हमें इस बात का तजुर्बा हो गया था कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था संसदीय माध्यम से चलाई जा सकती है हमारे नेताओं को जो लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष कर रहे थे अपने देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने कानून की बात करते थे उन्हें भी काफी लंबा अनुभव हो गया था कि किस तरीके से इसके माध्यम से देश को चलाया जा सकता था क्योंकि इसके पहले तो राजा नवाबों और महाराजाओं के शासन थे तो ब्रिटेन के माध्यम से ही सही हमें पता चला कि लोकतांत्रिक सिस्टम में किस तरीके से सरकारें चल सकती हैं फिर अध्यासात्मक व्यवस्था सुन लेते हैं ये हमारे यानी अमेरिका में है सबसे ज्यादा इसमें एकल कार्यपालिका है एकल कार्यपालिका मतलब केवल और केवल राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है विधायिका कार्यपालिका अलग होती है जो कानून बनाएंगे उसे कांग्रेस कहेंगे और जो शासन चलाएंगे जिन्हें कार्यपालिका कहते हैं उन्हें राष्ट्रपति भवन कहेंगे वहां व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस कहेंगे उसे शक्ति पृथककरण के अनुसार है और राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होता है विशेषता क्या है इसकी इसका निश्चित कार्यकाल होता है स्थिर सरकार होती है नीतियों में नियमितता रहती है क्योंकि चार साल की अगर सरकार है तो सरकार के समाप्त तो होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है कार्यपालिका के गठन हेतु काफी ज्यादा बेहतरीन विशेषज्ञ लोग मिलते हैं दोष क्या है उत्तरदायित्व का अभाव होता है क्योंकि उन्हें कोई सवाल जवाब पूछने वाला नहीं है कार्यपालिका विधायिका में झगड़े होते हैं क्योंकि कानून बनाने वाला कोई और है और उसके तहत सरकार चलाने वाला कोई और है तो झगड़े होते हैं और राष्ट्रपति के निरंकुश होने का डर है अधिकतर तानाशाही आप देख लेना केवल अमेरिका को छोड़ दीजिए तो अधिकतर जगह पर जहां भी तानाशाही बनती है वहां वहीं पर बनेगी जहां इस तरीके के कानून हो जहां पर इस तरीके की व्यवस्था होगी कि एक व्यक्ति को बहुत शक्तियां सौंपी जाती हैं केवल अमेरिका ऐसा अपवाद है जहां पर तानाशाही नहीं हो पाई है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बचने वाला है कभी ना कभी वहां पर भी राष्ट्रपति के नाम पर तानाशाही होगी अधिकतर जगह तानाशाही इन्हीं मामले में मिलती है पर भारत की और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में बहुत अंतर है ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नहीं होता है महारानी होती है ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में उच्च सदन में इनके ही महारानी के परिवार के लोग होते हैं हमारे यहाँ सब लोग चुने जाते हैं ब्रिटेन की संसदीय जो व्यवस्था है वहां पर लिखित कानून नहीं है मतलब एक तरीके से कानूनों का बंडल नहीं बनाया गया है हमारे यहाँ पर पूरा लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ पर न्यायपालिका भी पुनरावलोकन करेगी वहां पर ऐसा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता है ब्रिटेन में राजतंत्र है भारत में गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख है राष्ट्रपति वो भी चुना जाता है संसद की सर्वोच्चता है ब्रिटेन में हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है संविधान से बढ़कर केवल भारत के नागरिक है और भारत के नागरिक खुद संविधान को स्वीकार कर रहे हैं इसलिए सबसे सर्वोच्च संविधान हुआ प्रधानमंत्री के लिए निम्न सदन की सदस्यता अनिवार्य है हमारे यहां पर प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य चल सकता है लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी सम्राट की भूमिका नाम मात्र की होती है लेकिन हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं उसको कई प्रकार की कानूनी शक्तियां दी गई हैं। हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें कई प्रकार की विवेकाधिकार शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति कई बार अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हैं लेकिन वहां के सम्राट को कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रिटेन की गौरवशाली क्रांति जिसमें बिना खून बहे ही वहां के जो सम्राट थे उसके कानूनी अधिकारों को शून्य कर दिया गया था और इसलिए वहां की रानी या वहां के राजा के बारे में कहावत है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि राजा को कुछ करने ही नहीं दिया जाएगा तो राजा के गलत होने की उम्मीद भी नहीं होती है यह भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में अंतर है अब बात आते हैं संघीय व्यवस्था सर ये संघीय व्यवस्था क्या होती है ध्यान से सुनना एक ज्वाइंट परिवार है एक ज्वाइंट परिवार है और एक एकल परिवार है दो परिवार होते हैं ज्वाइन परिवार को संघीय व्यवस्था कह देना और एकल परिवार को एकल एकात्मक व्यवस्था कह देना हमारा ज्वाइंट परिवार है भाई ज्वाइंट परिवार मतलब भारत में कई सारे राज्यों ने मिलकर भारत का निर्माण किया है ज्वाइंट फैमिली जो होती है वहां की व्यवस्था को संघीय व्यवस्था में हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था तो एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली से समझना और एकात्मक व्यवस्था का मतलब एकल परिवार है संघीय व्यवस्था भारत की है जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ देखो भारत की संघीय व्यवस्था इस बात के प्रमाण क्या है तो सबसे पहले तो शक्तियों का विभाजन भारत देखो ज्वाइन फैमिली में क्या होता है कि ज्वाइन फैमिली में माता पिता तय करेंगे कि ये कौन ये काम कौन करेगा ये काम कौन करेगा ये काम किसका रहेगा हमारे काम क्या रहेंगे तो जहां शक्तियों का विभाजन हो वहां पर संघीय व्यवस्था जहां शक्तियों के विभाजन की कोई बात ही ना हो वहां पर हम कोई भी संघीय व्यवस्था की बात नहीं करते हैं तो शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी लक्षण है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है यहां पर संघीय व्यवस्था में कठोर संविधान की बात आती है लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं एकल संविधान में भी मिल सकता है एकात्मक व्यवस्था में भी मिल सकता है लेकिन कठोर संविधान इसलिए क्योंकि शक्तियों के विभाजन में नियमों का पालन तभी किया जा सकता है जब नियमों को सभी करें। लिखित संविधान होता है संविधान की सर्वोच्चता होती है द्विसदनी विधायिका होती है सर यह द्विसदनी विधायिका क्यों देखो भाई आप संघ बने हो तो हमारे देश में जो केंद्र सरकार है उसकी लोकसभा है और उसकी राज्यसभा आ जाती है संसद में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं ध्यान से सुनना हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए लोग चुनकर यहां भेजे जाएंगे जो कानून बनाएंगे लेकिन हमारा देश एक संघीय देश है जहां राज्यों को जोड़ा गया था भाई राज्यों को जोड़ा गया था तो इन राज्यों की आवाजों को भी तो कोई उठाने वाला होगा तो इन राज्यों से लोग भेजे जाते हैं इन राज्यों से लोग भेजे जाते हैं इसलिए वहां पर राज्यसभा भी होती है जनरली जहां पर भी एकात्मक व्यवस्था होती है मेरे लाल लालियो वहां पर केवल एक ही सदन होता है लेकिन संघीय व्यवस्था में दो सदन रखने पड़ते हैं क्योंकि संघ का निर्माण जिससे हुआ है वहां के भी प्रतिनिधि भेजे जाएंगे ताकि वो भी अपने राज्यों की आवाज उठा सके हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा क्यों है अगर कोई आपसे आज के बाद पूछे तो आप बताना कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि नागरिकों की आवाज उठाने वाले लोगों के अलावा हर एक टुकड़े की आवाज उठाने वाला हर एक हिस्से की आवाज उठाने वाले लोग भी होते हैं जिन्हें राज्यसभा में जगह दी जाती है तो संघीय व्यवस्था की क्या खासियत है शक्तियों का विभाजन वरीयता के रूप में अगर मैं कहूं शक्तियों का विभाजन वरीयता के रूप में द्विसदनीय विधायिका द्विसदनीय विधायिका संविधान की सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता जैसे कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है संसद जो कह दे वही जरूरी है हमारे देश में संसद कुछ भी कह दे संविधान ने जो कह दिया लिखित संविधान होता है जनरली संघीय व्यवस्थाओं में कठोर संविधान मिल सकता है हमारा संविधान थोड़ा सा कम कठोर संविधान है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मतलब है कि उसके निर्देशों और उसके आदेशों को चुनौती नहीं मिलेगी सर कोई न्यायपालिका को भी चुनौती दे सकता है जी हाँ ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली उनका उच्च सदन है जो राजा महाराजाओं के रिश्तेदारों से मिलकर बना है वो तय करता है कि फाइनल निर्णय क्या होगा आज भी वो गधे लोग ऐसा ही करते हैं गलत शब्द है गधा लेकिन फिर भी क्या करें कि वो एक्चुअल में भाई कहीं ना कहीं वही राजा महाराजा वाला सिस्टम अभी भी हल्का फुल्का है तो उच्च सदन में वहां पर आज भी तय होता है कि न्याय न्यायालय से भी बड़ा न्यायालय वही है हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वही अंतिम रूप से रहेगा जो कि एक लंबे अनुभव के बाद न्यायपालिका में बैठा हुआ न्यायाधीश सारी बातों को तय करता है तो संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ लाल लालियो जो कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है हम भी एक संघीय व्यवस्था है संघीय व्यवस्था को कैसे पहचाने तो शक्तियों का विभाजन मिले द्विस व्यवस्था मिले संविधान की सर्वोच्चता हो संविधान लिखित हो कठोर संविधान हो और न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो ऐसी जगह पर सामान्य रूप से संघीय व्यवस्था ही मानी जाएगी तो भारत की संघीय व्यवस्था है हम इस आधार पर इसका डिसीजन लेते हैं अब हम बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था का मतलब केवल केंद्र रहेगा शक्तिशाली केंद्र की जगह केवल केंद्र एकल संविधान होगा एकल नागरिकता होगी राज्य और क्षेत्रीय परिषद है अब यहां ध्यान से सुनना हमारे देश में संघीय व्यवस्था है लेकिन शुद्ध रूप से नहीं है सर ये क्या कह रहे हैं आप देखो भाई अगर हमारे देश में संघीय व्यवस्था शुद्ध रूप से होती तो फिर शक्ति का बंटवारा बराबरी का होता पर हमारे देश में शक्ति का बंटवारा बराबरी का नहीं है इसलिए यदि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है उसके क्या लक्षण है और कोई पूछे कि क्या हमारे देश के संविधान में एकात्मक व्यवस्था भी है तो कहिएगा कि जी हां हमारे देश में तो एकात्मक व्यवस्था भी है क्या प्रमाण है आपके पास की एकात्मक व्यवस्था है हम कहेंगे कि शक्तिशाली केंद्र है हमारे देश में शक्ति का बंटवारा बराबरी का नहीं है शक्ति के मामले में केंद्र को बहुत शक्तियां दी गई है संविधान निर्माताओं को डर था कि राज्य अलग ना हो जाए इसलिए उनकी शक्ति को मजबूत रखा गया है हमारे देश में एकल नागरिकता है संघीय व्यवस्था में दो दो नागरिकताएं होती है पर हमारे देश में एक ही नागरिकता है यह एकात्मकता का लक्षण माना जाता है हमारे देश में एकात्मकता के रूप में अगर सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रपति तय करेगा कि राज्यपाल कौन बनेगा जो राज्य का प्रमुख है जो राज्य का प्रमुख है संवैधानिक प्रमुख है उसका निर्णय अगर केंद्र लेने लग जाए तो फिर कैसे संघ की बात हो गई राज्यपाल की नियुक्ति एकीकृत न्यायपालिका है हमारा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को ऑर्डर देता है और उसके अंदर में एकल नागरिकता एकल संविधान राज्य और क्षेत्रीय परिषद ये सब एकात्मकता के लक्षण है जनरली जहां संघीय व्यवस्था होती वहां दो दो संविधान होते हैं एक पूरा कंप्लीट देश का और एक राज्य का उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व ज्यादा बड़े राज्यों को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है केंद्र पर राज्य की केंद्रों पर केंद्र पर राज्य की निर्भरता एकात्मकता के लक्षण है मतलब हम शुद्ध रूप से हम शुद्ध रूप से संघीय भी नहीं है और हम शुद्ध रूप से हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम एकात्मक हैं हमारे अंदर दोनों लक्षण हैं संघीय लक्षण के रूप में ये कैरेक्टर हैं और एकात्मक लक्षण के रूप में शक्तिशाली केंद्र एक ही संविधान एक ही नागरिकता एक ही न्यायपालिका अंतरराज्यीय और क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण केंद्र के हाथ में है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति तय करेगा उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होगा हमारे देश में संसद भी तय संसद ही तय करेगी कि किसी राज्य की सीमाएं क्या होगी किसी राज्य को दो राज्यों में बांटना है इसके अधिकार संसद के पास है जबकि संघीय व्यवस्था में इसके पास इसके अधिकार राज्यों के पास होने चाहिए थे तो कुछ लक्षण नहीं बहुत कुछ लक्षण एकात्मकता के हैं ऐसा क्यों किया होगा क्योंकि हमारे आजादी के बाद के जो अनुभव थे कि भाई देसी रियासतें भी भारत में जोड़ी गई थी तो डर था कि देसी रियासतें अलग हो गई तो फिर भारत के टुकड़े होंगे इसलिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी लेकिन अब वर्तमान में सहयोगी संघवाद पर बात आती है सहयोगी संघवाद का मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलजुल कर काम करेंगे ध्यान से देखेगा लाल लाल राज्य और केंद्र दोनों मिलजुल कर काम करते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय की बात आएगी केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग अब केंद्र और राज्य में सहयोग चलेगा जैसे कि दिल्ली में अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि सरकार ने कानून लाने की बात कही तो दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करेगी जहां पर भी कई प्रकार की कानून की बात आती है तो राज्यों को भी भरोसे में लेना पड़ता है जैसे जीएसटी में लेना पड़ा विशेष परिस्थिति में केंद्र की निर्णायक भूमिका राज्यों के लिए केंद्रीय फंड का प्रावधान केंद्र और राज्यों के मध्य संवाद हेतु अब जीएसटी काउंसिल बन गया है अब थोड़ा सा एक संतुलन लाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी भी उतना बेटर नहीं है एस आर बोमई बनाम भारत संघ उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय पहुंचा था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान माना जाएगा भले ही उसमें एकात्मकता के लक्षण हैं लेकिन भारत के संविधान को एक संघात्मक संविधान माना जाएगा और संघात्मक व्यवस्था मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे कोई भी संसद कोई भी देश की सरकार बदल नहीं सकती है तो हमारे देश में संघीय संविधान है सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से निर्णय दे दिया संघात्मक और एकात्मक वैसे लक्षण दोनों के हैं लेकिन अधिक लक्षण की अगर हम बात करें तो संघीय लक्षण माने जाते हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमारे देश में संघीय लक्षणों को या संघात्मक संविधान के रूप में इसे परिभाषित किया जाएगा अब हम बातचीत करने जा रहे हैं लाल लालियो केंद्र और राज्य के संबंधों की केंद्र और राज्य के संबंध किस तरीके के हैं सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है जो भाग ग्यारह में वर्णित है आर्टिकल 245 से आर्टिकल 293 के बीच टू आर्टिकल 249 से ले आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 293 के बीच में इसका कंप्लीट वर्णन किया गया है इसका कंप्लीट वर्णन किया गया है तो आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 293 के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में तीन संबंध है सर ये विधायी क्या होते हैं कौन से क्षेत्र में केंद्र कानून बनाएगा कौन से क्षेत्र में राज्य कानून बनाएगा फिर दूसरा है प्रशासनिक संबंध प्रशासनिक संबंध का मतलब कि किन जगहों पर केंद्र का प्रशासन काम करेगा किन जगहों पर राज्य का प्रशासन काम करेगा और वित्तीय संबंध का मतलब है कि किन जगह पर केंद्र के टैक्स लगेंगे और किस जगह पर राज्य के टैक्स लगेंगे जनरली केंद्र और राज्य के मध्य में जो संबंधों की बात आती है उन संबंधों का जो वर्णन किया जाता है वह इन तीन विषयों के आधार पर किया जाता है विधायी संबंध प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध विधायी संबंध का मतलब कानून की बात आ जाएगी अगर हम प्रशासनिक संबंध की बात करें तो प्रशासन की बात आ जाएगी कि सरकारी जो भी कर्मचारी होते हैं अब ध्यान से देखना जरा आर्टिकल 246 फोर्टी वन कहता है संघ सूची इसमें सौ विषय हैं और इस संघ सूची में कौन कानून बनाएगा लाल लाल संसद संसद को अधिकार है कानून बनाने के आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स सेकंड में लिखा गया है राज्य सूची के बारे में इस सूची में कितनी जगह पर कानून बनाने के अधिकार राज्य को दिए गए हैं इकसठ विषयों पर राज्य को कानून बनाने के अधिकार है आर्टिकल टू फोर्टी तीन में एक संवर्ती सूची बनाई गई है जिसमें बावन विषय रखे गए हैं और आर्टिकल 248 फोर्टी अवशिष्ट शक्तियां सॉरी अवशिष्ट शक्तियां क्या है भाई ऐसे विषय जिनका अभी तक कोई पता नहीं है शायद वो भविष्य में हो सकते हैं कोई ऐसी बातें कोई ऐसे दायरे कोई ऐसी चीजें जो अभी तक संविधान लिखने तक में कुछ भी नहीं पता थी पर आगे आने वाले समय में आएगी जैसे आईटी एक्ट आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आई अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आई तो इसके अधिकार किसको दिए गए हैं संसद को समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है लेकिन अगर दोनों ने कानून बनाए तो केंद्र का कानून को वरीयता मिलेगी केंद्र का कानून सर्वोच्च रहेगा राज्य सूची में राज्य ध्यान से देख लीजिए संसद लगभग तीन जगह पर है लाल लालियो इसलिए केंद्र की शक्तियां ज्यादा हैं संसद और राज्य अगर आप देखें तो संसद तीन जगह पर आता है जबकि राज्य दो जगह पर ही आता है और यहां पर अगर राज्य और केंद्र दोनों के कानून हैं तो संसद के कानून प्रभावी होंगे और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद केंद्र को जो शक्ति दी गई है वो ज्यादा शक्ति दी गई है और उसके पीछे का रीजन है आजादी के समय की परिस्थितियां आजादी के बाद भारत के एकीकरण के अनुभव और एकता और अखंडता को बनाए रखने का लक्ष्य आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य अपने राज्य सभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और ऐसी स्थिति में उस विषय पर एक वर्ष के लिए कानून का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है ध्यान से सुनना कभी कभी ये भी प्रावधान किए गए कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर राज्य का विषय है लेकिन अब वो बहुत जरूरी हो गया है तो संसद को उसके अधिकार दिए जाते हैं 249 के तहत ये राज्यसभा कर सकता है अगर राज्यसभा इसे पारित कर दे कि ठीक है भाई विशेष बहुमत से विशेष बहुमत का मतलब शब्द होता है 66 परसेंट दो तिहाई बहुमत से अगर राज्यसभा इसको पारित कर दे तो भले ही वो मुद्दा भले ही वो अधिकार राज्य के थे लेकिन उस पर भी शक कानून केंद्र बना पाएगा ऐसा 249 कहता है 250 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है और इसके लिए संसद को यह ताकत अपने आप मिल जाती है जब आपातकाल की स्थिति राज्य में तीन के तहत या तीन के तहत लगती है दो ध्यान से सुनना लाल लाल दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर उन राज्यों हेतु एक वर्ष के लिए कानून बना सकती है और 253 कहता है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यह ध्यान से सुनना कई बार केंद्र सरकार राज्य की कानूनों को अपने हाथ में लेती है और जब राज्य के कानूनों को अपने हाथ में लेती है तो वो कोशिश करती है कि दो के तहत ले क्योंकि दो के तहत वो जो अधिकार उसको मिलता मिलता है है वो लंबे समय के लिए मिलता है। लेकिन राज्य के कानून को केंद्र जब छीन लेगा तो दो की आड़ में छीनेगा दो में उसको उतना बेनिफिट नहीं है क्यों क्योंकि दो में जब दो या दो से अधिक राज्य उसे अनुरोध करेंगे तब जाकर वो लागू होंगे राज्य सूची के वो भी उनके लिए जिन राज्यों को लागू करवाना हो इसलिए अधिकतर जगह मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि एक बार सुषमा स्वराज का भाषण सुनना एक बार सुषमा स्वराज का भाषण सुनना दो और दो और एक कानून था लोकपाल जो लोकपाल का, का कानून लाया गया था उस दौर में तो सरकार ने दो के तहत लाया था तो सुषमा स्वराज तब विपक्ष में थी तो उन्होंने कहा भाई आप अंतरराष्ट्रीय किन कानूनों के आधार पर लोकपाल ला रहे हैं आप दो के तहत लाइए ताकि राज्य को स्वतंत्रता रहे कि उस लोकपाल को वो लागू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है दो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संधि है कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे और इसलिए हम दो के तहत लाना चाहते ऐसा उस और की सरकार कहती थी तो दो के तहत राज्य अगर रिक्वेस्ट करे कुछ राज्य तो वही राज्य दो के तहत संसद से कानून बनवाकर अपने राज्य में लागू करवा सकते हैं सभी राज्यों को लागू करने की अनिवार्यता नहीं होती लेकिन दो में वो सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत हुआ है दो संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर बनाए गए कानून में टकराव होने की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी होगा दो कहता है और दो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल इस प्रकार करेगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानून का उस राज्य में पालन किया जाना संभव हो मतलब दो के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने काम और अपने कानून ऐसे पारित करे कि वहां केंद्र के कानूनों को कोई भी नुकसान नहीं हो और वह केंद्र के कानूनों के तहत ही काम कर सके टू फिफ्टी सेवन कहता है कि केंद्र राज्यों को राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के संचार साधन रेल मार्गों के रखरखाव आदि के बारे में निर्देश दे सकता है आप देख सकते हैं केंद्र राज्य के संबंध में केंद्र को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया गया है केंद्र राज्यों को राष्ट्रीय सैनिक महत्व के संचार साधन रेल मार्गों के रखरखाव के निर्देश देगा जैसे कि महाराष्ट्र में पुणे में जो सैनिक अड्डा है सैनिक जगह है मध्य प्रदेश में महू में या फिर जम्मू कश्मीर में उधमपुर में तो राज्यों को बताएगा केंद्र सरकार कि इन जगहों पर आपको रखरखाव रखना है व्यवस्था रखनी है और अनुच्छेद दो कहता है कि अंतरराज्य नदी जल विवाद हेतु संसद प्रावधान करेगी कि अंतरराज्य नदी जल विवाद हेतु संसद के पास ताकत है कि वो उस झगड़े को हल करने के लिए नदी विवाद प्राधिकरण का निर्माण करेगा केंद्र राज्य संबंधों में दो पर भी गौर करिए राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्य परिषद का गठन अंतरराज्य परिषद भी बनेगी तो राष्ट्रपति के द्वारा संघ के द्वारा ही एक तरीके से और दो कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता है कानून के बाद ही कोई कर लगाए जा सकते हैं 269 ए ये कहता है कि अंतरराज्य व्यापार में जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी वसूले गए धन को केंद्र और राज्य जीएसटी काउंसिल के द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आपस में बांट लेंगे ये नया लाया गया है लाल लालियो ये नया लाया गया है जब जीएसटी लागू हुआ उसके बाद इसका प्रारंभन किया गया है अंतरराज्य व्यापारों में अंतरराज्य व्यापार शब्द पर गौर करना ऐसा व्यापार जो दो राज्यों के बीच में हो रहा होगा तो जीएसटी का बंटवारा जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया जाएगा और अनुच्छेद 271 कहता है कि संसद को सरचार्ज लगाने की शक्ति है जो कि जीएसटी के अलावा होगा सरचार्ज में राज्यों को कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी सरचार्ज का मतलब होता है राज्य राज्य जो कर लगा रहा है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कर जो कि किसी प्रकार के उद्देश्य से या किसी प्रकार के अतिरिक्त कार्यों के लिए किया जा सकता है भारत में जीएसटी में तीन प्रकार की जीएसटी है ये जो आई जी है इसमें राज्यों को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी ये जीएसटी काउंसिल तय करता है क्योंकि एस GST में तो राज्य को पूरी तरह से मिल जाता है स्टेट जीएसटी को स्टेट जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसी को मिलता है सेंटर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है लेकिन आई में हर राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा ये काउंसिल तय करती है भारत में जीएसटी की जो अलग अलग दरें हैं जीएसटी काउंसिल भारत की संघीय व्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां पहली बार राज्यों को दो तिहाई बहुमत का अधिकार दिया गया है और ये सहयोगी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां पर राज्यों को पहली बार ज्यादा शक्ति दी गई है एक सौ संविधान संशोधन आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए के तहत जीएसटी से जुड़े मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक बॉडी बनाई गई संवैधानिक वैधानिक नहीं संवैधानिक बॉडी लाल लाल संवैधानिक मतलब इस बॉडी का वर्णन संविधान की किताब में है इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है सभी राज्य और शासित क्षेत्र के वित्त मंत्री केंद्र सरकार को एक तिहाई मत हैं जबकि राज्य सरकारों को कुल मिलाकर दो तिहाई मत दिए गए हैं फिर है आपातकाल के प्रावधान तीन से 360 के बीच में बताए गए हैं यह आपातकाल तीन से 360 तीन और तीन मैंने बता दिया कि क्या था एक बार जरा कमेंट्स करना किसी को 355 याद हो तो 355 में भी एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है मैं तीन आर्टिकल बता रहा हूं तीन सौ बावन पूरे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा या देश के किसी हिस्से में राज्य में राज्य में संवैधानिक आपात का मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन क्योंकि राज्य की सरकार संसद के संविधान के अनुसार अपनी सरकार नहीं चला पा रही हो और 360 पैसों की कमी पैसों की तंगी देश में आ जाए तो वित्तीय आपातकाल की बात आ जाएगी 360 वित्तीय आपातकाल चार चार के अंतर पर है तीन सौ बावन तीन सौ छप्पन तीन सौ साठ तीन सौ बावन पूरे देश में या कुछ हिस्से में संवैधानिक आपातकाल मतलब पर्टिकुलर किसी राज्य में पर्टिकुलर किसी राज्य में और वित्तीय आपातकाल तीन सौ साठ के तहत तीन सौ बावन तीन आधारों पर लगाया जा सकता है कभी युद्ध की स्थिति हो कोई आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह आपको पता होगा कि चौवालीसवा संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी थी आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी हारी थी भयानक तरीके से तो इन्होंने कहा था कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह होगा केवल तभी आपातकाल लगाया जा सकता है आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहे कि आपातकाल लगा दीजिए तो अब राष्ट्रपति आपातकाल लगा नहीं सकता है जब तक कि पूरा मंत्री परिषद पूरा मंत्रिमंडल लिखित में ना दे दे कि आपातकाल लगाना है संसद के द्वारा एक महीने के अंदर विशेष बहुमत से लाल लालियों विशेष बहुमत से इसका समर्थन होना चाहिए एक महीने के अंदर समर्थन मिलना चाहिए और एक बार में आपातकाल छह महीने के लिए ही जारी रहेगा फिर से बढ़ाने के लिए वही पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग केंद्र करेगा फिर आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बनाएगा केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध खत्म हो जाएंगे मतलब शुद्ध रूप से भारत एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाए जा सकते हैं अनुच्छेद उन्नीस में दिए गए मूल अधिकार स्वत निलंबित तीन के तहत यदि बाहरी युद्ध या आक्रमण हो 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है 359 जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया तीन कब लागू होगा फिर यदि राष्ट्रपति को खुद महसूस हो अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से यह लोग यह लगे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो अनुच्छेद तीन लागू किया जा सके तो राष्ट्रपति को खुद महसूस हो या राज्य में जो उनका एजेंट है उनका जो व्यक्ति भेजा गया राज्यपाल उनको भेजे कि यहां पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है संवैधानिक का आपातकाल की घोषणा को दो महीने के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है अन्यथा दो महीने बाद ऐसी घोषणा स्वतः समाप्त तो हो जाती है संसद की अनुमति मिलने पर संवैधानिक का आपातकाल छह महीने तक लागू रहेगा संवैधानिक आपात के दौरान राज्य सूची के विषय पर संघ को ही शक्तियां हैं पूरी तरह से यदि संवैधानिक का आपातकाल को एक वर्ष के बाद आगे बढ़ाना है तो दो शर्तें जरूरी है भारत में तीन लागू हो तो आप ऐसा कर सकते हैं या निर्वाचन आयोग ये स्पष्ट रूप से बता दे कि चुनाव नहीं हो सकता मतलब छह महीने का जो आपातकाल है फिर छह महीने आप बढ़ा सकते हैं लेकिन एक साल के बाद चुनाव कराने ही हैं अगर चुनाव नहीं हो सकते तो वहां दो बातें होगी एक तो तीन सौ बावन वहां हो सकता है कि पूरे देश में आपातकाल या उस हिस्से में आपातकाल लगा हो या निर्वाचन आयोग ये बता दे कि भाई अब यहां चुनाव करना अभी संभव नहीं है तब जाकर हम कह सकते हैं कि यह चीज लागू हो सकती है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निलंबन मतलब अब पूरा केंद्र तय करेगा किसको पैसा देना है या नहीं देना है केंद्र तय करेगा कि राज्यों की हिस्सेदारी रहेगी या नहीं रहेगी केंद्र को वित्त के संबंध में पूरी एक तरफा शक्तियां मिल जाती हैं, मतलब वित्तीय मामले में देश पूरी तरह से एकात्मक हो जाएगा जिसमें राज्य के पास पैसों के कोई अधिकार नहीं रहेंगे मतलब मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय सरकारें जो कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं अब उनका मोह भंग हो सकता है क्योंकि वो कहेंगे कि कोई पैसे की बात तो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो केंद्र करेगा अगर ये आपातकाल लगा तो अब आते हैं लाल लालियो संघीय सरकार में सबसे पहले केंद्र सरकार वैसे केंद्र और राज्य सरकारों को हम एक साथ ही कवर कर रहे हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो लगभग सारी बातें सेम है केंद्र में जहां प्रधानमंत्री होंगे राज्य में वही पर मुख्यमंत्री होंगे केंद्र में जहां राष्ट्रपति होंगे राज्य में वहां गवर्नर होंगे तो सारी बातें लगभग एक जैसी हैं केंद्र सरकार संघ की कार्यपालिका भाग पांच में दिया गया है भाग तीन में मूल अधिकार थे लाल लालयू भाग चार में नीति निर्देशक तत्व थे चार ए में मूल कर्तव्य थे और भाग पांच में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है आर्टिकल बावन से लेकर एक सौ इक्यावन में इस संघ की कार्यपालिका क्या होगी कौन इसका मुखिया होगा कौन कौन इसके सदस्य होंगे इस कार्यपालिका का निर्माण कौन करेगा सारा विवरण संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल बावन से एक के बीच में रखा है तो सर संसद संघ की कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका में कौन होता है तो लाल केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद होता है भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी होता है ये सारे लोग केंद्र की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं लाल लाल अब ध्यान से सुनना जरा इन सभी पदों में केवल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल निश्चित है रिटायरमेंट भी निश्चित है और कार्यकाल भी बाकी तो जनरली जब तक बहुमत रहेगा तब तक रहेंगे महान्यायवादी भी क्योंकि वो सरकार का वकील होता है सरकार बदलने पर वकील बदल जाते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी ऐसे जो कार्यकाल वाले हैं लेकिन ये तो बहुमत के आधार पर रहने वाले लोग हैं शुद्ध रूप से ये अप्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर ये बहुमत से मुक्त है ये बहुमत से मुक्त है केंद्र की कार्यपालिका में इतने लोगों का समावेश होता है राष्ट्रपति आर्टिकल बावन के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा त्रेपन के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नियहित होगी और उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा सर ये क्या है आइए समझा देते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि हरेक राज्य को जनसंख्या के आधार पर अनुपात मिलेगा हर एक राज्य से जो मतदान डालेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के समूह को निर्वाचन मंडल कहते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानसभा लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित लोग भाग लेते हैं इसलिए इसको अनुपातिक कहते हैं विधानसभा के आधार पर सर फिर ये एकल क्या होता है एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के लिए जितने भी लोग मैदान में उतरे हैं एक ही बार मत डालना है बस सीक्वेंस बता देना है जैसे मान लीजिए मैं मत डाल रहा हूं तो मैं ए को कहूंगा कि वो तीसरे नंबर पर मुझे पसंद है बी मुझे पांचवें नंबर पर पसंद है सी मुझे चौथे नंबर पर पसंद है डी मुझे पहले नंबर पर पसंद है ई e मुझे बचे हुए नंबर पर पसंद है तो इसका मतलब एक नंबर मैंने डी को लगाया मान लो डी को फिफ्टी वन परसेंट लोगों ने पसंद कर लिया वो राष्ट्रपति बन गए पर मान लो कि पांच कैंडिडेट थे तो डी को पसंद करने वाले लोग केवल चालीस परसेंट हुए और किसी को भी फिफ्टी वन मिला ही नहीं तो जो सबसे कम नंबर वन की पसंद वाले व्यक्ति थे जो सबसे कम नंबर वन की पसंद वाले व्यक्ति थे मान लेते हैं कि ई e को केवल 12 परसेंट लोगों ने नंबर वन माना था तो ई को कहा कि चलो आप मैदान से बाहर निकलो तुम्हें सब लोग मजाक में ले रहे तुम्हें कोई पसंद नहीं करता निकाल दो तो उस नंबर वन को वोट डालने वाले जो लोग थे क्या उनके वोट बेकार हो गए जी नहीं उन लोगों ने जिन्होंने नंबर वन उस ई को कहा था उन्होंने नंबर टू किसी को तो कहा होगा तो जिसको उन्होंने नंबर टू कहा था वो नंबर टू में उनके वोट जोड़ दिए जाएंगे अब नंबर टू में उनके वोट जोड़ दिए गए हो सकता है पूरे बारह परसेंट लोगों का नंबर टू डी था तो चालीस और बारह बावन परसेंट जीत गया अगर अभी भी जीत ना हो तो अब इन ए बी सी डी में देखो कि किसको कम वोट मिल रहे हैं उसको कहो तुम निकलो बाहर और उसको जिन लोगों ने वन नंबर की वरीयता दी थी उसके दो नंबर वालों में बाकी के वोट जोड़ दो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी और अब जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है फिफ्टी एट राष्ट्रपति के पद हेतु जरूरी क्या है वो भारत का नागरिक होना चाहिए पैंतीस वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम उससे ज्यादा चलेंगे लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता ध्यान से सुनना संसद का सदस्य नहीं लोकसभा का सदस्य लाभ के पद पर लाभ का पद मतलब कोई सरकारी नौकरी ना हो अगर सरकारी नौकरी है तो उसने पत्र देना चाहिए तब जाकर वो चुनाव लड़ने आ सकता है क्योंकि लाभ के पद में जनरली जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको इसकी अनुमति नहीं होती है वो लाभ के पद में स्वीकार नहीं किए जाएंगे आर्टिकल 71 वन कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से अगर कोई झगड़ा हुआ तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हल होगा आर्टिकल फिफ्टी सिक्स राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान और उसका एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है हमारे देश में राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है जबरदस्ती से तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लेकिन उसका केवल एक आधार है संविधान का उल्लंघन संविधान का उल्लंघन आर्टिकल वन महाभियोग की प्रक्रिया बताता है और 56 सिक्स महाभियोग के आधार का वर्णन करता है महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन 61 में है कि दोनों सदनों के कुल सदस्य के दो तिहाई बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव के द्वारा ये पारित होगा अलग अलग प्रस्ताव के द्वारा वो भी विशेष बहुमत विशेष बहुमत का मतलब आपको बता दिया था दो तिहाई बहुमत से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जब पारित होगा तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया गया है तो एक नजर देख लीजिए बावन कहता है राष्ट्रपति होगा त्रेपन कहता है कि राष्ट्रपति में ही शक्तियां निहित हैं निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं निर्वाचित विधानसभा के भाग लेंगे निर्वाचित विधान परिषद के नहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पदुचेरी जम्मू कश्मीर के भाग लेंगे 58 कहता है कि नागरिक होना चाहिए पैंतीस साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए इकहत्तर कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का कोई भी झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में हलोगा छप्पन कहता है कि महाभियोग चलाया जा सकता है किन आधारों पर और इकसठ कहता है कि दोनों सदनों के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पारित होना चाहिए राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं था ऐसा त्रेपन में कहा हैं भारत सरकार के जितने भी काम होंगे भारत सरकार के जितने कानून बनेंगे भारत सरकार के जितने आदेश आएंगे भारत सरकार जितनी भी चीजें करेगी वो राष्ट्रपति के नाम पर सेवनटी सेवन कहता है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल सेवनटी फाइव के तहत राष्ट्रपति करेगा लेकिन अपने विवेकाधिकार से नहीं जिसको बहुमत है उसे मंत्रालयों का आवंटन आर्टिकल 773 सेवन थ्री के तहत लेकिन किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा वो प्रधानमंत्री बताएंगे राष्ट्रपति के प्रति मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है सर यह क्या है जैसे कि संसद में जिसका बहुमत है वही उसकी सरकार बनती है उसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं क्योंकि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ हुआ तो पूरे सरकार के खिलाफ माना जाएगा लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब है कि एक व्यक्ति को हटाने की ताकत राष्ट्रपति के पास है अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है लेकिन विवेका अधिकार पर नहीं ऐसा प्रधानमंत्री उन्हें कहेगा कि इस बदमाश को हटाओ ये मेरी बात नहीं मानता एक हंसी मजाक के रूप में पर प्रधानमंत्री के आदेश पर ही किसी मंत्री को हटाया जाएगा इसलिए वो व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार माना जाएगा फिर राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं विधायी मतलब क्या होता है सर कानून की शक्तियां राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके सीधा कानून पारित करा सकता है जो भारत में छह महीने तो लागू रहेगा ही राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लोकसभा ने हा कह दिया राज्यसभा ने हाँ कह दिया लेकिन वो कानून तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी साइन ना कर दे इसलिए राष्ट्रपति की ये विधायी शक्ति है संसद का सत्र बुलाने सत्रावसन करने लोकसभा को भंग करने की ताकत भी राष्ट्रपति के पास है सत्र बुलाने का मतलब कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को कहेंगे कि आओ बातचीत करो सत्रावसन का मतलब होता है कि सत्र को समाप्त करना स्थगन पीठासीन अधिकारी करेगा इस्तगन मतलब कुछ घंटों के लिए, लिए। सत्रावसन का मतलब कि समाप्त कर देना लोकसभा को विघटित करने की शक्ति का मतलब है कि लोकसभा को समाप्त करके नई लोकसभा का गठन करने के लिए चुनाव की बात करेंगे राज्यसभा में बारह सदस्यों का मनोनयन करेंगे ये सारे काम राष्ट्रपति कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री के इशारे पर विधायी और प्रशासनिक विषय के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकने की शक्ति है कि किसी मामले में प्रधानमंत्री से कहे कि मुझे बताओ क्या चल रहा है और संसद की संयुक्त बैठक किसी भी मसले पर जहां संविधान संशोधन ना हो रहा हो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात ना हो धन विधेयक की बात ना हो बाकी किसी भी जगह पर कोई बात हो रही हो और लोकसभा राज्यसभा में बंद ना रही हो कोई परिणाम नहीं निकल रहा हो तब वो संयुक्त बैठक के माध्यम से काम करवाएंगे राष्ट्रपति को 111 के तहत पावर, है।, वीटो पावर क्या होता है सर अगर लोकसभा हाँ कह दे राज्यसभा हाँ कह दे और वो बात राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो अकेले राष्ट्रपति मना कर सकते हैं कई तरीके से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जैसे आत्यांतिक वीटो आत्यांतिक वीटो का मतलब स्वीकृति सुरक्षित रख दी बोला ही नहीं कि करना क्या है मतलब सूर्य स्वीकृति अभी निर्णय देंगे भाई पर अभी नहीं क्या कितने टाइम में निर्णय देना है ये बताया नहीं है तो इस सुरक्षित रख दिया निलंबन कारी वीटो का मतलब उसमें राष्ट्रपति कह रहा है कि एक बार फिर से सोचो किसे प्रधानमंत्री मंत्री, मंत्री परिषद को कह रहा है कि फिर से सोच कर आओ मेरे पास और पॉकेट वीटो का मतलब है कि निर्णय को अपने जेब में रख दिया और निर्णय कभी दिया ही नहीं दिया ही नहीं राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है हैं ध्यान से सुन लेना संविधान संशोधन के अलावा धन विधेयक पर भी वो जनरली पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है लेकिन संशोधन वाली जो बात आएगी संविधान संशोधन वाली जो बात आएगी उस पर कोई वीटो नहीं लगता है मेरे लाल लालियो उस पर अनुमति देना उनकी मजबूरी है वही ताकत आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास है जो 111 के तहत राष्ट्रपति के पास थी राज्यपाल के पास एक, एक एक्स्ट्रा ताकत है वो अपनी विधेयक को स्वीकृति दे सकते अथवा वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं वो विधेयक यदि धन विधेयक ना हो तो राज्य के विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं उनके पास एक्स्ट्रा ताकत है कि वो राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकते हैं 123 के तहत राष्ट्रपति एक ही आदेश के माध्यम से पूरे देश में कानून लागू कर सकते हैं जैसे कि कृषि के अध्यादेश आ गए थे जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो ऐसी दोनों सदनों में से कोई एक भी ना हो तो भी चलेगा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिन पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है संसद की अनुमति मिल जाए तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है अन्यथा छह महीने के बाद वो अध्यादेश समाप्त तो हो जाएगा छह महीने के बाद अगर संसद ने उसे पारित नहीं किया संसद ने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो कानून समाप्त तो हो जाएगा केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने के अधिकार हैं टू में वन के तहत टू फोर्टी के तहत और टू फोर्टी सेवन टू फोर्टी एट में अवशिष्ट शक्तियां टू फोर्टी सेवन अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद अनुदोस राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है कि किसी पर्टिकुलर राज्य में भी राज्यपाल सीधे कानून लागू कर सकता है पर राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी है वो कुछ न्याय भी कर सकता है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत होता है तो वह विधेयक एक धन विधेयक है इसका निर्णय कौन लेता है राष्ट्रपति अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के हो नहीं सकती बजट को संसद में राष्ट्रपति ही रखवाता है कि चर्चा करो इस पर भारत की कंटीजेंसी फंड आकस्मिक निधि इसी के नाम पर राष्ट्रपति के नाम पर रखी जाती है और राष्ट्रपति दो के तहत वित्तीय आयोग का गठन करता है एक्चुअली ये राष्ट्रपति की न्यायिक नहीं वित्तीय शक्तियों में डालिएगा ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक का निर्णय राष्ट्रपति लेगा अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के नहीं होगी बजट को राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा आकस्मिक निधि और 280 के तहत वित्त आयोग जो कि केंद्र और राज्य के बीच में अनुदान का डिसीजन लेने के लिए पांच साल के लिए बनाया जाता है एक संवैधानिक आयोग है जिसका वर्णन संविधान में ही दिया गया है आर्टिकल दो में फिर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं जिसमें वह माप भी कर सकता है लघुकरण सजा की प्रकृति को बदलना परिहार सजा की अवधि को कम करना रघुकरण का मतलब कठोर कारावास को थोड़ा सा कम कर देना परिहार का मतलब चार साल की सजा को तीन साल में बदलना विराम विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना कोई भी महिला गर्भवती हो प्राविलंब प्रविलंबन किसी दंड को कुछ समय के लिए रोक देना टाल देना क्षमा पूर्णतः माफ कर देना राज्यपाल के पास भी ये सारी शक्तियां है बस राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है लेकिन राज्यपाल सजा की प्रकृति को बदल सकता है मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है तो लघुकरण का मतलब सजा की प्रकृति को बदलना मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिहार का मतलब अवधि कम करना विराम का मतलब विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर देना प्रविलंबन का मतलब दंड को कुछ समय के लिए टाल देना और क्षमा का मतलब माप कर देना राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक सर ये कूटनीति क्या है दूसरे देशों के साथ जितनी भी बातचीत होती है दूसरे देशों के साथ जिस प्रकार के भी संबंध देश के होते हैं तो वो सारे के सारे संबंध एग्रीमेंट जितने भी समझौते होते हैं हो, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ भी नहीं होता है अंतरराष्ट्रीय संध्या और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं कूटनीतिज्ञ राजनीति राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते जो भारत के फॉरेस्ट फौर, ऑफिसरों के साथ साथ नियुक्त होते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है और राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियां वैसे तो हमारे देश में राष्ट्रपति को विवेकीय शक्तियां नहीं है लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से निर्णय ले पाते हैं लोकसभा में किसी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो फिर राष्ट्रपति तय करेगा कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करना है तो वो किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं जब मंत्री परिषद त्याग पत्र सौंप दे तो मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति मानता जरूर है लेकिन फिर भी अपने विवेक के आधार पर जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो जब मंत्रिपरिषद कोई ऐसी सलाह दे जो संविधान के खिलाफ है तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार शक्ति का उपयोग कर सकता है उपराष्ट्रपति भी भारत की नागरिकता न्यूनतम 35 वर्ष की आयु लेकिन राज्यसभा के सदस्य नियुक्त तो होने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का भी वो सदस्य नहीं हो और अगर वो किसी का सदस्य है भी तो उपराष्ट्रपति बनते ही वो सदस्यता समाप्त हो जाती है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है पदेन सभापति का मतलब जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा में सभापति बनेगा पीठासीन अधिकारी बनेगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे निर्वाचन में निर्वाचन में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं लेकिन हटाते समय राज्यसभा विशेष बहुमत से हटाएगी और लोकसभा साधारण बहुमत से शब्द पर गौर करना अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सेम है कार्यकाल पांच साल का पद से हटाना राज्यसभा के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत और लोकसभा के द्वारा समर्थन मतलब साधारण बहुमत उपराष्ट्रपति के बारे में इतनी बातें जरूर याद रखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो कि केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है या वास्तविक शक्तियां हम कहेंगे इन्हीं के पास होती है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को जो भी काम करना है वो एक सलाह के माध्यम से करेगा और वो सलाह कौन देंगे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा किंतु सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा एक बार लौटा सकने के बाद अगर वही सलाह फिर से दी गई तो राष्ट्रपति को वह सलाह माननी पड़ेगी प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्योंकि मंत्री में से किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं जो सबसे शक्तिशाली होते हैं जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं राज्य मंत्री होते हैं जो कि इनके अंडर में एक तरीके से काम करते हैं स्वतंत्र प्रभार भी होता है इनको कई बार कि वह अपनी मर्जी से काम करेंगे और उपमंत्री इनके अंडर में काम करते हैं मंत्रिपरिषद के काम और क्या शक्तियां हैं तो मंत्रिपरिषद ही वास्तविक शक्तियां रखता है सारे काम मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री करेंगे पूरे देश में नीतियों का निर्माता और डीपीएसपी के तहत करेंगे इनका काम डीपीएसपी के तहत नीतियां बनाना है पूरे देश में शासन चलाना पूरे राष्ट्र के धन का रेगुलेशन करना कानूनों को लागू करना व्यवस्था बनाए रखना विधेयक और कानूनों को तैयार करके संसद में पेश करना संसद के सदस्यों के सवालों के जवाब देना भी क्योंकि उत्तरदायित्व कई भावना है अब हम बातचीत करने जा रहे हैं संसद की <coughs> लाल लालियो अब हम बातचीत करने जा रहे हैं संसद की संसद या विधान मंडल मतलब आप कहेंगे कि ये केंद्रीय विधानमंडल है और यही विधानमंडल राज्य के लिए राज्य विधानमंडल हो जाएगा तो संसद हम बात करेंगे केंद्र के लिए और विधानमंडल की हम बात करेंगे राज्यों के लिए एक ही जगह पर क्योंकि केंद्र और राज्य को अलग अलग देखना नहीं है संसद का मतलब है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति विधानमंडल का मतलब है विधानसभा विधान, विधान परिषद राज्यपाल कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां पर विधानमंडल में केवल दो ही लोग रहेंगे विधानसभा और राज्यपाल वर्तमान में पांच राज्यों में विधान परिषद है उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना उत्तर प्रदेश यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना कर्नाटक और तेलंगाना तो यूपी और बिहार के बीच में महाराष्ट्र को डाल दीजिए क्योंकि उनके वैसे भी बनती नहीं है याद रखने के लिए और कर्नाटक और तेलंगाना महाराष्ट्र के आसपास के लोग विधान परिषद का गठन करने की शक्ति संसद को है किंतु इस हेतु पहल राज्य की विधानसभा द्वारा की जा सकती है मतलब संसद ही कानून बनाकर विधान परिषद तय करेगी लेकिन संसद अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं बनाएगी जो राज्य विधान परिषद की मांग करेगा जो पहल करेगा उसके लिए संसद विधान परिषद का गठन कर देगी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है जो संघात्मक व्यवस्था को बताता है स्थाई सदन है कार्यकाल यहां का छह वर्ष का होता है सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल नहीं सदस्यों का कार्यकाल है ये इसलिए स्थायी सदन है अधिकतम ढाई सौ लोग होंगे हर हर दो वर्ष में एक तिहाई सदस्य निलंबित होते हैं हम कहेंगे कि कार्यकाल समाप्त होता है सॉरी निलंबित की जगह कहे तो बारह सदस्य मनोनीत होते हैं साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के आधार पर निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ये कैसे सर जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो अपने अपने राज्य से कुछ निश्चित संख्या में राज्यसभा के सदस्यों को भेजती है तो यहां पर जितने भी लोग जिन जिन पार्टी से चुनकर आए हैं वो अपने अपने मेंबरों को चुनकर भेजती हैं और इस तरीके से ये लोग भेजे जाते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में होती है लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है क्योंकि इसमें जो लोग भेजे जाते हैं वे डायरेक्टली जनता से चुनकर आते हैं एक अस्थाई सदन है क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ की जितनी भी बातें हैं वो जनरली पूरी तरह से समाप्त होती है 550 मैक्सिमम नंबर डायरेक्ट इलेक्शन होगा पांच साल का कार्यकाल है आपातकाल की स्थिति में केवल लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है जो भी संसद का सदस्य बनना चाहता है क्या योग्यता हो लोकसभा राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 और 30 वर्ष है अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष भारत की नागरिकता की बात आएगी निर्वाचन सूची मतदाता के रूप में पंजीकृत मतलब वह उस जगह का मतदाता हो जरूरी नहीं हालांकि वह भारत में कहीं ना कहीं मतदाता सूची में शामिल हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य कानूनी योग्यता जो कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके तहत भी वह योग्य होगा तो वह संसद का सदस्य बनने के लिए पात्र माना जाएगा संसद के दो सत्रों के बीच में छह महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए इसका मतलब एक साल में तीन सत्र बैठेंगे सत्र का मतलब क्या होता है संसद के लोकसभा में या राज्यसभा में लोग तीन बार तो ही साल भर में बैठके करेंगे शीतकालीन सत्र होता है मानसून सत्र होता है बजट सत्र होता है ये तीन प्रमुख सत्र होते हैं साल भर में बजट सत्र मार्च फरवरी मार्च में जो मानसून सत्र है वो जुलाई में और अगर हम बात करें शीतकालीन सत्र अक्टूबर नवंबर में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्रावसन तथा केवल लोकसभा को विकटित करने की ताकत है दोनों सदन के स्थगन का अधिकार पीठासीन अधिकारी करेंगे स्थगन मतलब कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए उस सदन की कार्रवाई को रोक देना आर्टिकल 89 और आर्टिकल 93 क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के संबंध में प्रावधान करता है कि आर्टिकल 89 के तहत राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो चुना जाता है बहुमत वाले में से ही चुनते हैं पीठासीन अधिकारी केवल निर्णायक मत दे सकता है पीठासीन अधिकारी केवल निर्णायक मत दे सकता है लेकिन पीठासीन अधिकारी का निर्णायक मत कब आएगा जब मत बराबरी में हो ऐसी सिचुएशन में पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत देगा अन्यथा पीठासीन अधिकारी को कोई मत देने की बात नहीं रहेगी लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा अपने विशेष बहुमत से हटाया जा सकेगा अगर लोकसभा का अध्यक्ष हटाना है तो दो तिहाई बहुमत से हटाना पड़ेगा राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी हटाना मतलब उपराष्ट्रपति को हटाना है राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के विशेष बहुमत और लोकसभा के सामान्य बहुमत से पद से हटाया जाता है याद रखना राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को हटाने के लिए लोकसभा की जरूरत है लेकिन लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को हटाने के लिए राज्यसभा का कोई योगदान नहीं है संसद की पूर्ति का मतलब होता है कि संसद कार्रवाई तभी कर सकती है जब न्यूनतम 10 प्रतिशत लोकसभा के सदस्य उसमें बैठे होंगे तो लोकसभा में कार्रवाई होगी राज्यसभा के न्यूनतम 10 प्रतिशत लोग बैठे होंगे तो उसमें कार्रवाई होगी अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्रावधान करता है कि संसद द्वारा सदन में कही गई किसी बात या दिए गए मत के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है संसद के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि वो निष्पक्ष होकर मजबूती के साथ अपनी बात को रख सके और विशेष अधिकार के तहत उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं जब वो संसद में अपनी बात को रखते हैं संसद में जो विधेयक आता है विधेयक का मतलब संसद में कानून बनने से पहले जो भी बातचीत रखी जाती है उसे विधेयक कहते हैं हम उसे कह सकते हैं कि वह एक शुरुआती कानून का ढांचा है ड्राफ्ट है एक तरीके से जब उसे पेश किया जाता है तो एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी सरकारी विधेयक का मतलब होता है जो कि सरकार की कार्यपालिका में शामिल लोग हैं सरकार की कार्यपालिका में शामिल लोगों में से किसी एक ने पेश किया है और गैर सरकार का मतलब होता है कि कार्यपालिका के अलावा किसी भी पार्टी के व्यक्ति के द्वारा लाया गया हो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं विधेयक का वर्गीकरण उसके नेचर के आधार पर भी किया जाता है एक साधारण विधेयक होता है एक संविधान संशोधन विधेयक होता है और एक धन विधेयक होता है साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है लाल लालीओ धन विधेयक में कोई संयुक्त बैठक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसे केवल लोकसभा से पारित कराना होता है राज्यसभा से 14 दिन के बाद वो पारित माना जाता है संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा तीनों से बड़ा सॉरी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल्कुल पास करना जरूरी होता है तब जाकर ही वो पारित माना जाएगा यहां संयुक्त बैठक की बात नहीं आएगी तो अगर हम विधायी प्रक्रिया की बात करें तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए परामर्शकारी भूमिका के तौर पर रोक सकती है धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में बताई गई है कि धन विधेयक किसे कहेंगे राज्यों में भी धन विधेयक जब विधानसभा में आएगा तो वही परिभाषा एक में दोहराई गई है धन विधेयक में किसी कर को लगाना हटाना घटाना बढ़ाना सरकार द्वारा किसी प्रकार का ऋण लिए जाना इन संबंधी प्रावधान होते हैं धन विधेयक का मेन मकसद होता है सरकार के लिए धन के सोर्स को बढ़ाना या धन के सोर्स को बनाने का काम होता है संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत इसे याद रखिएगा वैसे भी हमारे देश में 108 सौ आठ का अपना ही महत्व है संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में है लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं केवल साधारण विधेयक के लिए यह संभव है और जब भी संयुक्त बैठक होगी तो साधारण बहुमत से पारित करना है कोई भी मुद्दा धन विधेयक संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है और साधारण बहुमत का मतलब पढ़ा दिया मैंने कि 50 प्रतिशत प्लस एक से आधार पर विधेयक पारित हो जाएगा फिर बजट पेश किया जाता है हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में बजट के लिए शब्द उपयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है वित्त मंत्री पेश करेंगे इसे जिसमें सरकार के आय और व्यय के बारे में विवरण शामिल होता है इस बजट की अगर हम बात करें तो बजट में सरकार की खजानों के बारे में भी विवरण है अगर हम बात करें तो सरकार की संचित निधि पर व्यय की बात आती है संसद में केवल चर्चा हो सकती है किंतु मतदान नहीं होगा संचित भारित है सर ये क्या है ध्यान से सुनना जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी सैलरी राष्ट्रपति की सैलरी उपराष्ट्रपति की सैलरी ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके जो सैलरी होती है ना वो आपातकाल में भी कम नहीं होती है वो सीधा संचित निधि से दी जाती है और इस पर कोई मतदान की जरूरत नहीं क्योंकि भाई वो तो करना ही है तो उस पर केवल चर्चाएं हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होगा संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय जो भारित नहीं है चर्चा भी होगी और मतदान भी होगा मतलब संचित निधि से सरकार यदि कोई खर्चा करना चाहती है भारित के अलावा तो संसद में लोकसभा से अनुमति बगैर मिले विनियोग विधेयक पारित किए बगैर संचित निधि से एक रुपए भी सरकार निकाल नहीं सकती है बजट में धन की मांग अनुदान मांग के रूप में की जाती है मतलब बजट में सरकार किसी भी काम के लिए जो पैसे मांगती है उसे कहते हैं अनुदान मांग उसे कहते हैं अनुदान मांग अनुदान की मांग केवल लोकसभा में ही की जाएगी अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है संसद द्वारा अनुदान की मांग पारित करने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाएगा और विनियोग विधेयक किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता राज्यसभा को बजट के संबंध में कोई विशेष शक्ति नहीं है किंतु विनियोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है विनियोग विधेयक एक ऐसा कानून है जिसके बाद देश की सरकार को देश के खजाने को खर्च करने का अधिकार मिल पाता है तो समझ लीजिए धन विधेयक धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में है वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 117 है सिर्फ अनुच्छेद 110 में शामिल विषय को ही धन विधेयक कहते केवल 110 बाकी सब कुछ वित्त विधेयक में आएगा अनुच्छेद 110 में शामिल विषय भी और अन्य विषय भी मतलब सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है जैसे भाई टैक्स लगाना है धन विधेयक है लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर भले ही टैक्स की बात नहीं आ रही है लेकिन पैसों से जुड़ा हुआ मामला है जैसे मान लेते हैं कि आधार लागू करवाना है तो वो वित्त विधेयक के रूप में हम कह सकते हैं राज्यसभा चौदह दिन के अंदर सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है यहां संयुक्त बैठक की कोई बात नहीं है धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होगी धन विधेयक और साधारण विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश होगा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पूर्वानुमति जरूरी नहीं राज्यसभा अधिकतम चौदह दिन तक रोक सकती है राज्यसभा अधिकतम छह महीने तक रोक सकती है चौदह दिन बाद राज्यसभा स्वतः पारित किया हुआ मान लिया जाएगा छह महीने के बाद संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी कि भाई निर्णय क्यों नहीं लिया अभी तक राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है धन विधेयक में यहां ऐसी कोई बाध्यकारिता नहीं है राज्यसभा के पास कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की ताकत टू फोर्टी नाइन के तहत है और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की ताकत तीन सौ बारह के तहत है लोकसभा की विशिष्ट शक्ति आए कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव केवल यही पर आएगा धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा राज्यसभा की भूमिका केवल परामर्शकारी होगी राज्यसभा की भूमिका केवल और केवल परामर्शकारी होती है फिर कुछ शब्द आते लेखा अनुदान जब बजट पेश किया जाता है तो बजट पारित होने में पैतालीस दिन लगते हैं तो उन पैतालीस दिनों का खर्चा जिसे कहते हैं वोट्स ऑन अकाउंट अनुदान कहलाता है सरकार को बजट पारित हुए बिना खर्च करने की लोकसभा की अग्रिम अनुमति को लेखानुदान कहते हैं और यह तब पारित किया जाता है जब बजट अभी पारित नहीं हुआ है बजट पारित के दौरान के खर्चों के लिए फिर प्रत्यानुदान किसी आकस्मिक खर्च के लिए सरकार को धन प्रदान करना कहलाता है प्रत्यानुदान अपवादानुदान ऐसा कोई खर्च जिसका बजट में उल्लेख नहीं हो किंतु बाद में परिस्थितिवश भारत सरकार को खर्च करना पड़े तो उसे कहते हैं अनुदान यह सब कुछ संसद में अनुमति लेनी पड़ेगी जब सरकार बजट पेश करती है तो प्रस्ताव आते हैं यह निर्भर करेगा पीठासीन अधिकारी पर कि वो प्रस्तावों को स्वीकृत करता है कि नहीं एक होता है नीति नीति कटौती प्रस्ताव पॉलिसी डिसअप्रूवल मतलब सरकार ही गिर जाएगी मतलब सरकार अपने बजट को पारित नहीं कर पाई और बजट केवल एक रुपए का रह गया अब एक रुपए में कोई देश तो चला नहीं पाएगा इसका मतलब सरकार गिर गई है सरकार को, सरकार को ने अविश्वास अविश्वास मिल गया है सरकार को लोकसभा में उसका बहुमत नहीं रहा है इसे कहते नीतिगत कटौती दूसरी होती है आर्थिक कटौती ये प्रस्ताव भी पारित स्वीकार करना है कि नहीं ये तो सदन के अध्यक्ष तय करेंगे आर्थिक प्रस्ताव का मतलब यह होता है जैसे मान लो पिताजी से आपने कहा देखो भाई पिताजी से आपने कहा कि आपको अनेकेडमी पर मधुकर सर के अंडर में तैयारी करनी है पिताजी ने कहा किस बात की तैयारी बंद करो काम धंधे पर लगो मतलब पॉलिसी कट बहुमत ही नहीं है तुम्हारा आर्थिक कटौती आर्थिक कटौती का मतलब कितने पैसे चाहिए तुमने कहा कि दो साल का सब्सक्रिप्शन लेना है कॉम्बो पैक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लगभग दो एक लाख रुपए लगेंगे पिताजी ने कहा नहीं बेटा एक लाख तो नहीं है एक लाख की जगह दो साल की जगह एक साल का ले लो आइकॉनिक की जगह प्लस ले लो खर्चा कम करो थोड़ा सा पैसे नहीं है अपने पास तो समझ जाना कि आर्थिक कटौती कर दी पिताजी ने और तीसरा होता है टोकन कटौती टोकन कटौती का मतलब पिताजी कह रहे ठीक है एक लाख रुपए दे रहा हूं पर बेटा सिलेक्शन नहीं हुआ तो याद रखना घर में जो काम धंधा चल रहा है वही संभालना पड़ेगा तुम्हें फिर सौ रुपए काट देंगे उसमें टोकन कटौती में क्या होता है कि बजट के अनुदान की मांग का विरोध नहीं है बस सरकार को एक विरोध दर्शाना है सौ तो रुपए काटे जाते हैं मतलब यहां पर बजट पारित नहीं होता केवल एक रुपए का बजट रह जाता है यहां पर जितनी रकम की मांग सरकार कर रही उससे कम रकम की बात होती है और यहां सरकार जितने रकम की मांग कर रही उसमें से केवल सौ रुपए काटे जाते हैं और बजट पारित होता है तो याद रखेगा इनमें से कोई भी प्रस्ताव किसी भी अनुदान की मांग में अगर पारित हो गया तो एक तरीके से सरकार के लिए संकट माना जाता है फिर जब संसद की बात आती है तो प्रश्नकाल संसद की बैठक जब होती है तो पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं संसद में जिनका उत्तर मौखिक देना है और उन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं मतलब जो उत्तर देंगे उस पर फिर सवाल खड़ा किया जाएगा अतारांकित प्रश्न जिसका उत्तर लिखित मिल जाएगा संसद में कोई बताएगा नहीं आपको और कोई उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा अल्प सूचना प्रश्न अविलंबीय लोक महत्व से संबंधित मौखिक उत्तर चाहिए और अनुपूरक भी आएंगे मतलब ये तारंकी जैसा ही है लेकिन बहुत ही कम शॉर्ट टाइम पर ये पूछे जाते हैं शून्यकाल दोपहर से एक बजे तक बिना किसी अनुमति या पूर्व सूचना के प्रश्न, प्रश्न पूछने को शून्यकाल कहते हैं जहां बिना किसी पूर्व सूचना के आप सवाल पूछ सकते हैं सरकार से आधे घंटे की चर्चा तारांकित प्रश्न के उत्तर के उत्तर संबंध में कई बार स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है अल्पकालीन चर्चा सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए चर्चा की जाती है फिर है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अविलंब लोक महत्व के किसी मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है और स्थगन प्रस्ताव देश की किसी गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करने के लिए सरकार के सामने लाया जाता है कि सारा काम रोक दीजिए और केवल इसी मुद्दे पर बात कीजिए ध्यान आकर्षण का मतलब है कि इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना और इसका मतलब यह है कि सब छोड़कर इस पर बात करिए तो लाल लालियो नेक्स्ट क्लास मुझे लग रही है कि एक क्लास और लेंगे हम ज्यादा नहीं एक आध घंटे की क्लास लगेगी उस एक आध घंटे के बाद हम इसे भी खत्म कर देंगे संसदीय समितियों तक की हम बातचीत करेंगे तो संसदीय समितियों से हम डायरेक्ट शुरुआत करेंगे संसदीय समितियों से हम डायरेक्ट शुरुआत करेंगे वैसे संसदीय समितियां बचा संवैधानिक आयोग दल बदल फिर संविधान संशोधन स्थानीय शासन फिर न्याय प्रणाली और फिर संसदीय समितियां। तो मान के चलिएगा कि लगभग एक क्लास और एक डेढ़ घंटे की लेंगे और उसके बाद इसका समापन कर देंगे आज की कक्षा कैसी लगी आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा और सोमवार को 12 बजे आज की कक्षा पर 100 सवालों का टेस्ट लूंगा मैं स्पेशल क्लास रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी एमके लाइव रिफर कोड यूज करके मैदान जंग में उतर जाना बस एक घंटे की और क्लास और इसी के साथ ये समापन हो जाएगा सभी को बेस्ट ऑफ लक शुभ रात्रि, गुड नाइट नेक्स्ट